हेलो बच्चों, जस्ट आई एम चेकिंग कि आवाज़ वगैरह आ रही है। आप एक बार मुझे कंफर्म करोगे कि साउंड इज ओके और नॉट। लेट मी चेक ऑल्सो कि साउंड सही है या नहीं है। मुझे भी एक बार चेक कर लेने दो। क्या आप लोगों को साउंड सुनाई दे रहा है? एक बार कंफर्म करोगे मैसेज में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। एक बार मुझे कोई बताएगा कि आपको सब साउंड वगैरह सुनाई दे रहा है, और एक बार मुझे ओपन भी कर लेने दो तो शायद मैं अपने से चेक कर लूँ। चलो, सुनाई दे रहा है। दे रहा है आवाज? ऑल क्लियर है? ठीक है, मैं एक बार अपने उसमें देख लेता हूँ। हाँ, सब क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है, सब क्लियर है। ओके, ठीक। तो आज हम क्लास मेजरमेंट के फुल सिलेबस रिवीजन में आए हैं। ओके, साउंड ठीक नहीं है सर। साउंड अब ऐसे आएगा क्योंकि ये वेब कैम का साउंड मैं आपको भेज रहा हूँ, और साउंड यही क्वालिटी रहेगा। ओके, ठीक है। नॉइज थोड़ा रहेगा, अब आपको ये करना पड़ेगा। मैं एक बार और देख लेता हूँ। मैं इसमें देख रहा हूँ। हेलो, ये इतना साउंड रहेगा इसका, मेरे ख्याल से ये हट नहीं सकता। ये रिपीट शायद, अच्छा यहाँ का भी उसमें जाता होगा। चलो ठीक है। तो मैं क्लास पे स्टार्ट करता हूँ। हाँ, वो रिपीट हो रहा होगा, मैं मोबाइल में देख रहा था ना, इस वजह से रिपीट हो रहा होगा। जस्ट जस्ट वेट फॉर मिनट। हाँ, इसमें कुछ वो है, एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से थोड़ा साउंड ठीक करके और रीपब्लिश करता हूँ। ओके, जस्ट वेट करना कुछ मिनट, ठीक है।
ठीक है, नाउ आई थिंक ये आवाज आएगी। अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। हाँ अब आ रही होगी मेरे ख्याल से। नाउ इज इट ऑडिबल, टेल मी। अब शायद आ रही होगी, अब बताओ। ओके सर, क्लियर। ओके 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 आ रही। चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपका क्या होगा, वेरी फर्स्ट लेक्चर होगा आपके पूरे फुल सिलेबस रिवीजन का। तो आपको क्या करना है, मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पूरा चीज बता देता हूं कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी एक लाइव स्ट्रीम है, पूरे एक लाइव स्ट्रीम में पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अलग तरीके से, है ना, मेजरमेंट का ये फुल सिलेबस है, जैसे नेटवर्क का मैंने फुल सिलेबस कराया था उसी तरह से। मेन मकसद ये होता है कि हम कोशिश में ये करते हैं कि आप जो रिवीजन का तरीका वो थोड़ा सा बदल जाए। कैसे बदल जाए, कहने का मतलब, अब देखो जैसे इवन कितना भी बोरिंग एक मूवी हो, और यदि आप उसको, मैं कहूं कि आपको 5 बार देखना है, 5 बार रिवाइज करना है, तो आपके पास तरीका क्या हो सकता है, एक बार उस मूवी को देखो, लेकिन उसका जो बेसिस होना, मतलब जिस जिस व्यू से आप देख रहे हो सकता है वो स्टोरी हो, फिर दूसरे बार देखो, हो सकता है कि वो जो व्यू है वो उसके एक्टिंग को देखो, अगले बार में डायरेक्शन को देखो, अगले बार में कुछ टेक्नोलॉजी जो यूज हुआ है उसको देखो, उसके फ्लो को देखो, तो क्या होगा वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो उसी तरह से आप लोगों को रिवीजन का तरीका सिर्फ ये रहता है कि फिर से कॉपी उठाओ और पहले पेज से पढ़ना शुरू कर दो, वो हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा बोरिंग सा महसूस होगा। ओके, तो इसलिए मेरा क्या कहना है कि जब रिवीजन करो ना तो प्रॉब्लम के थ्रू करो। तो आज जो मैं सिखाऊंगा वो रिवीजन का थोड़ा सा दूसरा तरीका होगा, जिसमें हम प्रॉब्लम के थ्रू चीजों को देखेंगे। और जैसा कि हमारा तरीका रहता है, हम पूरे सिलेबस को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। उस 5 पार्ट में पहला बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, फिर वोल्टेज और करंट मेजरमेंट पे है, फिर पावर एंड एनर्जी मेजरमेंट पे है, फिर आरएलसी मेजरमेंट पे है, और मिसलेनियस है। मिसलेनियस में कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जो एक जैसे 3 लेवल में पूरा लेक्चर होगा। ओके, जैसे आज लेवल 1 है, तो आज थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। फिर अगले उसमें सैटरडे संडे में मैं रखूंगा लेवल 2 और फिर लेवल 3। लेवल 3 तक जाते जाते हमें 3 बार फुल सिलेबस देखना शुरू हो जाएगा पूरे मेजरमेंट का, और फिर कमांड महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ओके ये कमांड हमारे ठीक है, ये नेटवर्क नहीं है, एक्चुअली उसी स्लाइड से हमने बनाया है, तो इसलिए ये मेजरमेंट है, तो ये छूट गया, ये मेजरमेंट है। ओके, और इन सब चीज का जो भी मैं लिखूंगा उसका पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, और उस पे आते हैं। हाँ एक चीज और, कि इस डिटेलिंग में यदि आप देखोगे तो हमने कॉन्सेप्ट वाइज पूरे लगभग 19 डिफरेंट सेंट्रल कॉन्सेप्ट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, लेकिन हम पार्ट वाइज रिवाइज करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ओके, सो वेरी फर्स्ट पार्ट 1 में हमें क्या क्या चीज पढ़ना था। योर ऑडिबल इको हो रहा है बच्चे, ये सब चीज़ सहना पड़ेगा कि मैं अब टेक्निकल देखूं या पढ़ाऊं। एक्चुअली जब यूट्यूब स्ट्रीम होता है ना, तो सारा चीज़ मुझे ही संभालना पड़ता है, पूरा कैसे कैसे ये सारा चीज होगा, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ओके चलो, तो पार्ट फर्स्ट में हमें बेसिकली ये चीज देखना था, मतलब पार्ट फर्स्ट में जो जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे मेजरमेंट क्या है। तो आपने देखा था कि कोई भी पूछता है कि मेजरमेंट क्या है, तो वहां से स्टार्ट आप करते हैं, और मेजरमेंट में हम सीधे ये करते हैं कि कोई भी क्वांटिटी हो, जैसे वोल्टेज हो, करेंट हो, पावर हो, कुछ भी इनर्जी हो, एक्सेट्रा, कोई भी क्वांटिटी है, हम उसको मेजरमेंट के थ्रू एक कंपैरिजन करते हैं और एक इफेक्टिव नंबर में रख देते हैं। जैसे कोई बोलता है 100 वोल्ट, तो एक यूनिट और एक नंबर, दो पार्ट में हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, उसे एक्सप्रेस कर देते हैं। एक को नंबर कहा जाता है और दूसरे को यूनिट कहा जाता है, और इसमें हम उसे एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, दूसरे को यूनिट कहा जाता है, और इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये हमें मिल जाता है। मैं एक बार मोबाइल में देखता हूँ, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होगा, तो मैं एक और साउंड को रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन यदि वो वहां से हुआ तो, अदरवाइज एक बार मैं अपने उसमें देखता हूँ, यदि साउंड का डिस्टरबेंस ज्यादा होगा तो।
नहीं वो सीधे डायरेक्ट उसका है, जो वेब कैम होता है उसी का पूरा है। मैं एक बार आवाज तो आ रही है, देखो आवाज इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकती है, और अब मैं मेरे पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा। आप लोग देख लो कि मैं पढ़ाऊं, आप लोग यदि बताओगे तो इसी साउंड में मैं कंटिन्यू करूंगा। माइक अभी एक बार मैं 5 मिनट रुको, फिर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, और यदि ये पकड़ लिया तो, क्योंकि यूट्यूब लाइव में पकड़ता नहीं है, यदि इसने पकड़ लिया तो ठीक है। एक मिनट सेट इसमें ऑडियो इनपुट के लिए कुछ आया है, लाइन 4। हेलो 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 हेलो, ये अच्छा है, ये ओके करते। हेलो 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 हेलो, तो मेरे ख्याल से ये आवाज़ आएगी, ठीक है। नाउ दिस साउंड इज ओके, आई थिंक दिस साउंड इज ओके, आई थिंक। हेलो, हाँ ठीक है ठीक है, दिस साउंड इज ओके। चलो ये साउंड आई थिंक ये अच्छा है ना। चलो ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने उस पे कि जो हमारा स्लाइड है। चलो एक एक दिन सब चीज़ें परफेक्ट हो जाए तो बढ़िया हो जाता है। ओके, सो ये मेजरमेंट होता है, और हर मेजरमेंट में हम एक नंबर ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। पहला चीज़ ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, एक सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ कि यदि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ, और यदि हमारे पास इस एग्जाम्पल में यदि ये करना है कि यहाँ पे वोल्टेज मेजर करना है, मुझे ये कहा गया कि चलो कि इसके अक्रॉस में आप वोल्टेज बता दो, दोनों रेजिस्टेंस लेट से कि सेम है, और यहाँ पे हमने 100 वोल्ट ऐसे रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर यदि यहाँ पे रखते हैं तो क्या चीज़ ऐसे होगा, इसका रीडिंग कितना हो सकता है। तो यदि आप इसको रीडिंग को देखोगे तो ये रीडिंग का मतलब होता है मेजरमेंट, और मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि इसका वैल्यू यदि आप थ्योरेटिकली देखने की कोशिश करोगे तो ये 100 है, आर आर 50-50 होना चाहिए था, तो यहाँ पे वोल्टेज का जो थ्योरेटिकल वैल्यू या ट्रू वैल्यू होना चाहिए था वो 50 वोल्ट होना चाहिए था। ऐसा कभी नहीं आएगा कि रीडिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है, वो 50 वोल्ट दे दे। हो सकता है कि ये 49 वोल्ट आपको दे दे, ये प्लस माइनस या 51 वोल्ट दे दे, ये जरूर देगा। मतलब इसमें वोल्टेज का जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो हमेशा कुछ न कुछ एरर के साथ रहेगा, कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी के साथ में रहेगा, और इसीलिए हम यहाँ पे एक चीज मेजर कर लेते हैं। अपना वॉइस सब इंक्रीज कर लो, यहाँ से वॉइस मैंने पूरा कर रखा है, मैक्सिमम कर रखा है, और थोड़ा मुझे कंसंट्रेट करने दो लेक्चर पे, क्योंकि वो फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। टेक्निकल चीज़ अब मैं हैंडल में पूरा ध्यान दूंगा ना। देखो ऑलरेडी मैंने पीपीटी वगैरह बहुत ही अरेंज और मस्त तरीके से बना रखा है, अब मैं टेक्निकल चीज़ में पूरा घुस जाऊँ तो क्या होगा, यहाँ से दिमाग खिसक जाता है, और जो चीज़ मुझे क्वालिटी इनपुट्स आपको देने हैं रिवाइज करने में, उसका उसका डिस्टर्बेंस आते रहता है। तो लिटिल बिट आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो जो टेक्निकल ये चीज़ होता है। ये मानो कि ये चीज मैं अपने हैंड से पूरा टेक्निकल चीजों को संभाल रहा हूं, तो लिटिल बिट डिस्टरबेंस है, इतना मानते हुए, और आप लोग थोड़ा संभालो ओके, ताकि मैं क्वालिटी जो मैं रिवीजन के लिए जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं और जो क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं उस पे ध्यान दूं ओके, ठीक है। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि अब थोड़ा बहुत टेक्निकल वो चीज को आपको करो ओके। चलो तो जब भी आपके पास में ये दोनों चीज आ जाए कि आपके पास में मेजर्ड और ट्रू वैल्यू अलग अलग है, तो हम यहाँ पे एरर का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताते हैं कि इसमें मेजरमेंट में एरर है, और अक्सर हम मेजर्ड माइनस ट्रू को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये एरर आ जाता है, जिसमें एक जैसे यदि सिंपल एरर पूछा तो मेजर्ड माइनस ट्रू करेंगे,
हाँ मैग्नीट्यूड पूछा तो कोई भी डिफरेंस ले लो, ट्रू माइनस मेजर्ड, एक बार ग्रुप में आप लोग बहुत बार ये चर्चा कर रहे थे इसलिए मैंने बता दिया, तो एरर को मेजर्ड माइनस ट्रू कर देंगे, और ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल के लिए यही चीज वैल्यू कितना हो गया, मेजर्ड 49 और ये 50, तो सिंपल सी बात हो गया कि यहाँ पे 49 माइनस 50 जो होगा ये माइनस वन वोल्ट होगा, माइनस वन वोल्ट होगा, और माइनस वन वोल्ट जो यहाँ पे है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेजर पार्ट थोड़ा कम है। ठीक है, यदि मैग्नीट्यूड पूछता तो ओके रहता। ओके, तो मैग्नीट्यूड पूछता तो ये सिंपल ओके रहता कि कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। अब इसी में एक परसेंटेज एरर भी पूछ दिया जाता है, तो परसेंटेज एरर क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो भी मेजर्ड है उसमें से ट्रू को माइनस करो और ट्रू से डिवाइड करके 100 से यदि मल्टीप्लाई कर दो तो इसे रिलेटिव एरर हम कहना शुरू कर देते हैं और परसेंटेज एरर कहना शुरू कर देते हैं, वो एक पार्ट होता है। ओके, तो ये आपको जान के रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें एक और चीज जो आपको इंपॉर्टेंट ये करना था वो ये कि जैसे ही आपके पास में एरर की बातें ऐसे हो जाती है, ये सब सारे चीज हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे एक गारंटीड एक्यूरेसी एरर का कॉन्सेप्ट होता है, और गारंटीड एक्यूरेसी एरर जो होता है वो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। और सपोज करो कि गारंटीड एक्यूरेसी एरर कोई भी है, वो प्लस माइनस 1% सपोज करो कि दे रखा है किसी वोल्ट मीटर का या आमीटर का, जिसका 0 से लेके लेट से 10 एम्पियर रेंज तक का वो आमीटर है, एक आमीटर है। तो आपको मैं कई बार समझा चुका हूँ, जस्ट रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि ऐसा यदि देता है तो हम इसमें ये मानते हैं कि एक कांस्टेंट एरर हमारे पास में यहाँ पे आ गया है, और वो कांस्टेंट एरर हमेशा कांस्टेंट एरर एक चीज देता रहेगा, और वो कांस्टेंट एरर कितना होगा, वो होगा 10 का 1%। 10 का 1% मतलब 1/100, और ये चीज हो जाएगा 0. तो ये प्लस माइनस 0.1 एम्पियर का हर जगह पे क्या दे देगा, एरर देगा। मतलब ये 5 एम्पियर भी मेजर करने जाएगा तो उसमें प्लस माइनस 0.1 एम्पियर का उसमें एरर रहेगा, 2 एम्पियर मेजर करने जाएगा तब भी प्लस माइनस 1 एम्पियर का एरर देगा। ये चीज आपको रिमाइंड हो गया होगा। ओके, नाउ अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि जब आप किसी भी मेजरमेंट को लाओगे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम उसे लिखते हैं, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा ये होता है कि जैसे कोई भी मेजरमेंट हो, एनी मेजर्ड वैल्यू, कोई भी यदि मेजर्ड वैल्यू होता है तो आप उसको कैसे लिखते हो, उसको ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस, मतलब जैसे ए और प्लस माइनस वहां पे डेल ए के फॉर्मेट में जरूर रहेगा। इसी को और ऐसा भी कह सकते हैं, ए प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू 100 के फॉर्मेट में भी हो सकता है, बट ये जरूर रहेगा। ये पार्ट के फॉर्मेट में किसी भी मेजरमेंट को रख सकते हो, कोई भी मेजर्स करके आओगे इन जनरल, करेंट को, पावर को, इनर्जी को, किसी को भी, तो इस फॉर्मेट में वो लिखा रहेगा। ठीक है, तो एक चीज आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में ये समझ के रहना चाहिए कि यदि कहीं पे आप कोई भी कहता है कि एनी सर्किट, हमें पता नहीं कि ये कौन सा सर्किट है, और यहाँ पे सपोज करो कि हमने एक वोल्ट मीटर से यहाँ पे मेजर करके लाया है, कोई भी ये वोल्ट मीटर के रीडिंग लिखना है, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होगा कि ये जो भी मेजर करके लाओगे ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि 50 वोल्ट होगा, उसके अनसर्टेनिटी को बताना पड़ेगा, जैसे प्लस माइनस 1 ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें कभी भी इस तरह का रहेगा तो आपको रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, कभी भी इस तरह का रहेगा तो आपको रिप्रेजेंटेशन ये हो गया कि ये पार्ट एक तरह से ट्रू वैल्यू हो गया, ये पार्ट आपके एक तरह से ट्रू वैल्यू हो जाएगा, और ये उसमें क्या हो गया, अनसर्टेनिटी या एरर कह सकते हो। ठीक है, अनसर्टेनिटी या एरर कह सकते हो ऐसे, वो किसमें, जो भी आप मेजर करके लाए हो। तो इसी वजह से इसी को लिखने का तरीका क्या चीज हो सकता है, 50 और प्लस माइनस 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो 1/50 × 100, तो ये हम कह देंगे 2, तो ये 2%, तो इसी को लिखने का तरीका आपका 50 प्लस माइनस 2% भी हो जाएगा। तो एक दूसरा चीज मैंने रिमाइंड करा दिया, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से एरर वाले पोर्शन में मैंने बताया कि मेजर माइनस ट्रू आपका एरर हो जाएगा, ट्रू से डिवाइड कर दोगे वो रिलेटिव एरर हो जाएगा। जीएई हमेशा एक कॉन्स्टेंट एरर होता है, ये ध्यान में रखना है कि ये कॉन्स्टेंट एरर होता है, और किसी भी मेजरमेंट को ऐसे हम लिखते हैं, एक पार्ट इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो आपको ध्यान में रखना है कि जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं, एरर कैलकुलेशन में कुछ चीजें आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो चीज क्या था उसको मैं बता देता हूं। एरर कैलकुलेशन में, तो एरर कैलकुलेशन में देखोगे तो वहां पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज देखना था एरर कैलकुलेशन में,
तो एरर कैलकुलेशन में आपके पास दो क्वांटिटी का क्या क्या चीज किया जा सकता है. लेट से एक्स वन आपके पास में है और कुछ भी दे दिया, लेट से 10 प्लस माइनस 1 दे दिया, एंड एक्स टू जो दे दिया वो लेट से 100 और प्लस माइनस 2% दे दिया, 100 और प्लस माइनस 2% दे दिया. लेट से दो चीज दिया गया है. अब यहां से क्या क्या चीज हो सकता है, एक क्वांटिटी इन दोनों के एडिशन से बन सकता है, मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू से बन सकता है. तो यहां पे हम क्या करते हैं कि एक्स वन और एक्स टू को यदि ऐड करना है तो कौन सा एरर ऐड होता है, जो एब्सोल्यूट एरर होता है, परसेंटेज नहीं. तो हम यहां पे 10 प्लस 100 ऐसे लिखेंगे और जब प्लस माइनस यहां पे कर रहे होंगे तो इस डब्बे में क्या लिखेंगे, इसको 1 यहां पे लिख देंगे और प्लस ये 2% नहीं, इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, 100 और प्लस माइनस 2% ऑफ 100 कितना होता है, 2 होता है, तो प्लस माइनस 2 इतना हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज आपका बन जाएगा 110 और प्लस माइनस 3, ये एब्सोल्यूट में होता है. सेम चीज यदि माइनस में होता तब भी हम ऐसे ही करते, जैसे इसी सेकेंड में इसी में मैं ये कह देता कि यदि सपोज करो कि आपको एक्स वन माइनस एक्स टू निकालना है तो आप क्या करोगे, 10 माइनस 100 और प्लस माइनस में, प्लस माइनस में यहाँ पे इस डब्बे के अंदर में 1 प्लस 2 होगा और जिसको हम माइनस 90 और प्लस माइनस 3 कर देंगे. ठीक है, और उसी तरह से थर्ड में हम क्या करेंगे, यदि हमें सपोज करो कि मल्टीप्लाई दे देता है, एक्स वन इंटू एक्स टू दे देता है, तो वहां पे क्या करेंगे, 10 इंटू 100 तो ये होगा ही होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, रिलेटिव एरर का एडिशन हो जाता है, तो यहां पे 1 इसको परसेंटेज में बदलना पड़ेगा. तो कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस माइनस 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10, तो 1 बाई 10 इंटू 100 ये परसेंटेज में लिखा जाएगा जो कि 10% हो गया. तो ये हो गया 10 प्लस माइनस 10%. तो यहां पे क्या होगा, रिलेटिव एरर सम होगा, तो पहले का 10 और दूसरे का 2 इतना परसेंट ये रहेगा, मतलब ये हो जाएगा 1000 और प्लस माइनस 12%. ठीक है, उसी तरह से फोर्थ में यदि हमें ये दे दे कि दोनों का डिवीजन दे दे, दोनों का डिवीजन दे दे, तो अगेन ये 10 बाई 100 हो जाएगा और प्लस माइनस हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर से सम करेंगे, डिफरेंस भी नहीं लेंगे, सम करेंगे, और वो चीज कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 और ये परसेंटेज में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 1 बाई 10, तो 1 बाई 10 और प्लस माइनस 12% ऐसे आंसर हो जाएगा. तो एक पार्ट में इसमें क्या होगा, पूरा रिवीजन हो गया कि कैलकुलेशन में हम क्या क्या इसमें करते हैं. ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन में हम क्या क्या चीज उसमें करते थे. इसके अलावा एक पांचवा चीज ऐसे हो सकता है, यदि पावर हो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स वन का स्क्वायर और इनटू एक्स टू हो, तो हम सीधे क्या करेंगे, जैसे रिलेटिव एरर ऐड करते समय दो गुना कर देंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्स वन स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इंटू एक्स टू मतलब 100 और प्लस माइनस में यहाँ पे सिंपल एक चीज हो जाएगा, ये 2 इंटू पहले का परसेंटेज जो कि 10 था और प्लस जो दूसरे का परसेंटेज जो है 2, इतना परसेंट हो जाएगा. तो मतलब ये आपके पास में 10 स्क्वायर इंटू 100 और प्लस माइनस ये 20 प्लस 2 22% हो जाएगा. तो ये चीज पूरा आपको रिमाइंड कर दिया होगा कि ये क्या क्या चीज पूरे एरर कैलकुलेशन में हम करते हैं. ठीक है, देखो कितने 5 से 7 मिनट में आपने लगभग पूरे एरर का जो 3-4 चैप्टर होता है उसको समराइज कर रहे हो. रिवीजन का ये तरीका होता है, और मैं अभी क्वेश्चन भी लाया हूं, घबराना नहीं, ये सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड है, तो कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, ये हो जाएगा. ठीक है, पहला वाला पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरे पोर्शन में चलेंगे जिसमें हमने वी और आई मेजरमेंट का है. तो एक एक क्वेश्चन करेंगे, जैसा क्वेश्चन आप बहुत सारा क्वेश्चन मैं लाया हूं, मतलब कि देखेंगे, काउंट तो मैंने नहीं किया, बहुत सारा क्वेश्चन है तो उसको करेंगे. ठीक है, और जहां उसमें वेटेज वैसी लाया गया है जहां पे जैसा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन उसमें लाए गए. आज जैसा मैंने कहा कि थोड़े इजी क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लाइव में हम बड़े क्वेश्चन करेंगे, बट मेरा पूरा ये रहेगा कि हम मेजरमेंट को पूरा रिवाइज कर ले. ठीक है, एक क्लास के अंदर में. चलो, ये कैलकुलेशन से रिलेटेड एक चीज हो गया. नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है इस एरर कैलकुलेशन में, वो है कि जो डेटाबेस क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कि एक बार यदि आपके पास में, जिसको हम स्टैटिस्टिक एनालिसिस कहते हैं, स्टैटिस्टिक एनालिसिस मतलब डेटाबेस जो कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज करो आपको कई सारा डेटा दिया हुआ है, एक्स वन दिया हुआ है, एक्स टू दिया हुआ है, एक्स थ्री दिया हुआ है, एक्स फोर दिया हुआ है, एक ही किसी मेजरमेंट का, तो आप क्या करते हो, वहां से सबसे पहला चीज निकालते हो उसका एवरेज,
और जब भी एवरेज निकालते हो उसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हो, और ये एग्जैक्टली क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू जितना भी आपके पास में है उसको ऐड करके और उसमें हम एन से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज आ जाएगा। ओके चलो, इसी में जैसे ही आपके पास एवरेज आ जाता है तो हम दूसरा चीज इसमें हर एक डेटा का डेविएशन निकालते हैं। चलो सबको मजा आ रहा है, जैसे एक बार में वो सारा चीज कैप्चर हो रहा है कि ओके जितना चीज हमने यहां पे देखा था वो सारा चीज कैप्चर हो रहा है। बोलो टेल मी, क्या कैप्चर हो रहा है वो चीज? जैसे आपको लग रहा है कि हाँ हम क्विकली सब चीज को रिकॉल कर पा रहे हैं और रिवाइज कर पा रहे हैं, या इवन जिसको मेजरमेंट आगे पढ़ना भी है उसको एक तरह से बेस मिल जाएगा कि अच्छा ये चीज हमें पढ़ना है, तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो एक बार पढ़े हुए हैं एक बार नहीं पढ़े हुए उसके लिए। फिर हम क्वेश्चन पे भी आते हैं। ओके वेरी गुड, उसके बाद हम क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं। तो जो डेविएशन निकालते हैं यहाँ पे, डेविएशन जो निकालते हैं ये डेविएशन को हम हर एक डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग निकालते हैं। ओके गुड गुड, तो अभी हम अभी क्वेश्चन भी करेंगे तो फिर आपको और मजा आएगा। ओके और ज्यादा जैसे ये एरर से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं तो कम क्वेश्चन मैंने लाया सेकेंड पार्ट में, जो वोल्टेज करंट मेजरमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें। चलो इसमें सबका डेविएशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे डेविएशन वन निकालना है तो हम क्या करते हैं, पहला डेटा में उसके एवरेज वाले पोर्शन को हम ऐसा कर देते हैं तो हमें ये डेविएशन हो जाता है। तो एक तरह से पहले के लिए क्या चीज हो गया, एक्स वन जो भी डेटा दिया हुआ है उसमें मीन से निकाल देंगे तो डी वन निकल जाएगा, उसी तरह से हम डी टू निकाल सकते हैं यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स बार से, ऐसी करके हम सभी डेविएशन अलग अलग निकाल सकते हैं। बट ये डेविएशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं इसमें सिर्फ ये इंडिविजुअल डेविएशन ना निकाल के हम इसका एक एवरेज डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, तो वो एवरेज डेविएशन क्या होता है, हम इसका एक एवरेज डेविएशन निकालते हैं और एवरेज डेविएशन को डी बार से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें क्या करते हैं, जो भी डी वन और डी टू इसका मॉड ले लेते हैं, ध्यान रखना उसको एज इट इज जोड़ते नहीं है, मॉड ले लेते हैं जितना भी होगा और उसमें एन से डिवाइड कर देंगे तो ये चीज एवरेज डेविएशन हो जाएगा हमारा। ओके उसके बाद हम इसी में एक एवरेज डेविएशन भी उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है जितना स्टैंडर्ड डेविएशन प्ले करता है और वहां पे आते भी रहता है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे निकालते हैं और उसको क्या चीज से शो कर देते हैं, सिग्मा से। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, आरएमएस जैसा क्वांटिटी होता है, जैसे डी वन है उसका स्क्वायर कर दिया, डी टू है उसका स्क्वायर कर दिया, ऐसे करते करते डी एन है उसका स्क्वायर कर दिया और अपॉन उसमें डिवाइड कर दिया एन से और उसका रूट ले लिया। जिसको भी आरएमएस थोड़ा सा याद है तो आप देख सकते हो कि ये आरएमएस हम डेविएशन का निकाल देते हैं सिंपल, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद थर्ड क्वांटिटी जो आपको ध्यान में रखना है वो वेरिएंस के बारे में ध्यान में रखना है कि वेरिएंस क्या होगा। ओके और वेरिएंस जो होगा वो वेरिएंस वी को हम सिंपल सिग्मा स्क्वायर कह देते हैं, ये वेरिएंस का पूरा पोर्शन हो जाता है और इतना एनफ है एरर वाले पोर्शन में आपको याद रखना। ठीक है, नहीं एक्स जैसे एक्स स्क्वायर का जो अभी तो समझना नहीं है, रिकॉल करना है, बट बता देता हूं जहां पर भी एक्स वन स्क्वायर होता है तो ये दो गुना हो जाता है, क्यू रहता तो तीन गुना हो जाता है, रिलेटिव एरर। ओके क्योंकि एक्स स्क्वायर जो एग्जैक्टली है वो एक्स वन इंटू एक्स वन है, तो दो बार ये मल्टीप्लाई के जैसा हम ट्रीट कर देंगे इसको, तो पहले में एक बार टेन रखते फिर प्लस टेन रखते तो उसको टू इंटू टेन रख दिया है। ओके ठीक है, एम जे श्री जो आपने अभी कहा उसके उसका मैंने जवाब दे दिया। ओके चलो अब हम कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को सीधे सीधे बनाना शुरू कर देते हैं जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी शामिल हो जाएगा, इसी बहाने रिवाइज, मतलब इतना चीज आपको ध्यान में रखना है लिस्ट, और उसके बाद क्वेश्चन के थ्रू यदि हम कुछ कुछ सीखते रहेंगे तो उसको भी हम एड ऑन करते रहेंगे। ओके ओके हाँ, सिग्मा प्रोपोर्शनल 1 बाई पी होता है, वो भी जो प्रिसीजन के होता है। ओके चलो पहले क्वेश्चन का जवाब जो भी देना चाहे, पहले एक बार थोड़ा सा समय दूंगा आप लोग जवाब दे देना, उसके बाद हम इसका वो करेंगे। जैसे कोई भी आरएलसी सीरीज सर्किट है, द क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्वालिटी फैक्टर क्या चीज से डिफाइन करते हैं ये, हालांकि क्या चीज का क्वेश्चन हो गया, नेटवर्क का क्वेश्चन हो गया, बट आपको जान के इसलिए रखना है कि कहीं कहीं पे हम जैसे आगे क्वालिटी फैक्टर मीटर और ये सारा चीज पढ़ते हैं, इसी वजह से इसको जान के रखना है। तो क्या होता है क्वालिटी फैक्टर क्यू, जो कि आपको याद रखना चाहिए, वो क्या होता है,
वो होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है और अपॉन बैंडविड्थ हम कर देते हैं तो ये क्वालिटी फैक्टर आ जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्वालिटी फैक्टर हमेशा 1 बाई बैंडविड्थ के बराबर होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कई बार आपको काम आएगा। सो फर्स्ट इज योर आंसर, ओके, फर्स्ट इज योर आंसर। तो इसी बहाने जो चीज़ आपको थोड़ा याद भी रखना है वो भी आ जाएगा इसी में, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, नेक्स्ट में इसमें दिया गया है, जैसे कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। जब आप एग्जाम में देखोगे ना तो क्या होगा, कभी कभी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ कुछ आना शुरू हो जाता है। तो कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो सारे तरह के क्वेश्चन मैं लाया हूँ। तो धीरे धीरे आपको वो सारा चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ओके, हमें मतलब मेरा मेन मकसद है कि जो कॉम्पिटिशन के लिए तैयार आपको करना है ना, वो तैयारी हो जाए। कि एक तो पहले जो सिस्टमेटिक सिलेबस से जो क्वेश्चन आता है वो पार्ट होता है। दो, 1-2% क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे जिस जिस आप इंडस्ट्रियल उसमें जा रहे हो, जैसे सपोज करो कि रेलवे में जा रहे हो, तो रेलवे में जो डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज होता रहेगा तो क्या होगा, उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके अनुसार से कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होते हैं, तो वो सब भी मैं शामिल करूंगा, ओके। रिएक्टिव पावर अपॉन रियल पावर नहीं होता है, वो होता है बच्चे ये जो शिबा, वो नहीं होता, वो आप दूसरा चीज बोल रहे हो, ठीक है। मैं बताऊंगा, वो नेटवर्क के लिए छोड़ दो, अभी जो इंस्ट्रूमेंट में कहीं कहीं पे जरूरी हो सकता है वो ये हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो, द एक्सपेक्टेड वोल्टेज। चलो क्वेश्चन नंबरिंग में यहाँ पे करते रहता हूँ, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ताकि आप लोग भी देखते रहो कि कितने क्वेश्चन का जवाब आपने सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पूछ रहा हूँ, द एक्सपेक्टेड वोल्टेज वैल्यू अक्रॉस द एलिमेंट इज 50 वोल्ट, एक्सपेक्टेड 50 वोल्ट है। हाउएवर अ वोल्ट मीटर रीड्स 48 वोल्ट, वोल्ट मीटर ने 48 वोल्ट मेजर किया। एक्सपेक्टेड मतलब वो ट्रू वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पे आपको ट्रू वैल्यू दे दिया कितना, 50 वोल्ट, लेकिन एक जो वोल्ट मीटर है वो मेजर करके आपको देता है 48 वोल्ट। तो इसमें कहा कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, मतलब रिलेटिव एरर। हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में करना है फटाक से आप आंसर बताइए। ऑप्शन थ्री फोर, कई सारे लोग अलग अलग वो कर रहे हैं। अच्छा, 4% बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है। और आप लोग काउंट भी करते रहना कि कितने लोगों का सही सही आंसर आते रहता है, ठीक है, ये काउंट भी करते रहना। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी मेजर्ड पार्ट है माइनस ट्रू पार्ट अपॉन ट्रू पार्ट इंटू 100 करना है, यही चीज़ हमें करना है। तो अब इसको निकाल लो, मेजर्ड कितना हो गया, 48 माइनस 50 अपॉन 50 into 100, ये परसेंट में हो जाएगा, 50 से ये 2 हो गया, और यहाँ पे आपके पास में -2 into 2 इतना परसेंट, मतलब -4% हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पूछा, तो ये आपके पास हो गया 4%। यदि ऑप्शन में ऐसा रहता, 4% भी होता और -4% भी होता, तो -4% हम देते, ठीक है, वो नेचुरल अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। सपोज करो कि मैं ये करता कि यहाँ पे 1, 2, 3 और फोर्थ के ऑप्शन को -4% लिख देता, फोर्थ के ऑप्शन को -4% लिख देता, तो क्या आंसर होता, -4% होता। तो ये सब चीज क्लियरिटी में रहना चाहिए, ओके। नहीं दिया तो अंडरस्टूड है कि वो आपका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, गॉट इट, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज योर आंसर अभी के अनुसार से, क्योंकि यहाँ पे -4% नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 3% दिया हुआ है, तो फोर्थ वाले ऑप्शन में, तो इसलिए वो आंसर होगा। ये सब चीज समझते भी रहना है। हर 10 क्वेश्चन पे मैं पूछूंगा कि कितने लोगों ने कितना ये सही किया। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच डायरेक्टली इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एट द टाइम व्हेन इट इज बीइंग मेजर्ड आर कॉल्ड। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्टली इंडिकेट कर देता है, उस क्वांटिटी को जिसको हम मेजर कर रहे हैं, उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आप लोग ऐसे आंसर देना, जैसे Q3 और डैश देके और यहां पे अपना आंसर लिख देना कि 1, 2 ऐसे करके, तो थोड़ा क्या रहेगा आपके जो ये है चैटिंग है उसमें मैं देख पाऊंगा कि ओके आपका किसका आंसर कह रहे हो, नहीं तो मिक्स हो जाएगा पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन 3 और 1 क्वेश्चन 3 और 2 क्वेश्चन 3 और 4 ऐसे करके लिख दोगे ना, तो क्या होगा, सेपरेट होता रहेगा, ओके। तो मुझे भी दिखता रहेगा कि हाँ थोड़ा सा कौन कौन अच्छा ये कर रहा है। चलो बताओ कौन सा होगा क्वेश्चन 3 में 4। हाँ बिल्कुल सही है, सिंपल वो पार्ट है कि उसको हम क्या कहेंगे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, है ना। किसी किसी को ये भी नजर आता है कि उसको हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, तो ऐसा नहीं है,
सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का दूसरा हमारे पास में डेफिनेशन है जो हमने देखा था वहाँ पे प्राइम, मतलब कि एक जो दो एग्जांपल देखा था उसमें मैंने आपको बता रखा है कि जो सेकेंडरी है वो डायरेक्ट होता है और जो एब्सोल्यूट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, उसका डेफिनेशन दूसरा है। यहाँ पे सीधे कह रहा है कि वो पॉइंटर सीधे दिखा रहा है, जैसे वोल्ट मीटर में दिखाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है जो सबसे ये जो है ये क्या हो गया, इंडिकेटिंग हो गया, जो भी वैल्यू है वो सामने सामने यहाँ पे जो इसका इंडिकेटर है वो दिखा रहा है। ओके हाँ ठीक है, तो ये चीज हो गया इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके है, चलो अब नेक्स्ट में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास में आते रहेंगे, जैसा मैंने कहा कि आप छोटा सा एग्जांपल लेंगे और ऐसे करेंगे। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो पहले, फिर मैं आपको इसका वो बताऊंगा। 4 का पहले क्वेश्चन को पढ़ो और फिर आंसर देने की कोशिश करो, और यहां पे एक साइकोलॉजी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, वो चीज देखना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दो, कितने लोग दे सकते हो? सही का, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर कौन कौन दे पा रहा देगा और मुझे बताओ। चलो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जवाब देने की कोशिश किया है, वेरी गुड। अब मैं एक बात बताता हूँ, जैसे देखो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, और यहाँ पे यदि आ गया कि अ एलवीडीटी प्रोड्यूसेस, तो एक साइकोलॉजी क्या बन जाता है, एलवीडीटी तो अभी पढ़ा नहीं है या एलवीडीटी तो शायद उधर का है। सीधे ऐसा नहीं, आपका साइकोलॉजी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एलवीडीटी या समथिंग एक ऐसा चीज यूज कर दिया जो आपने यदि नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ के आगे देखोगे तो हो सकता है कि वो रिलेटेबल हो और जो आप जानते हो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहां पे कहा एलवीडीटी प्रोड्यूसेस एन आरएमएस आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2.6 वोल्ट, 2.6 वोल्ट ये आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, फोर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.4 माइक्रोमीटर, मतलब इसको आप कह सकते हो कि यह है इनपुट, इतना इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग इतना आउटपुट ये प्रोड्यूस करता है, तो कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ एलवीडीटी। अब इन जनरल सेंसिटिविटी का क्या डेफिनेशन होता है, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, यही तो डेफिनेशन होता है कि नहीं। और जब ऑप्शन को देखोगे तो वोल्ट पर माइक्रो ऐसा दिया गया है, इसका मतलब डेफिनेटली ऊपर वोल्टेज हमें चाहिए और नीचे मुझे माइक्रोमीटर में इसको डिवाइड करना है, तो इवन ऑप्शन भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको 2.6 अपॉन 0.4 यही निकालने के लिए कह रहा है। बेसिक डेफिनेशन सेंसिबिलिटी का कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, और दूसरा जो इसका यूनिट है, ये यूनिट जो है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि ओके ऐसा ही दे रहा है। इसको कहते हैं कॉमन सेंस, कि आपको छोटा सा डेफिनेशन मालूम है और जब क्वेश्चन कुछ दिया गया है उसमें चाहे हेन तेन कुछ भी नाम ले ले, एलवीडीटी बड़ा बड़ा कुछ भी कॉम्प्लेक्स वर्ड उसमें इंसर्ट कर दे, घबराना नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत ही सिंपल सी कहानी हो सकता है बहुत ही सिंपल चीज पूछा गया है। तो ये बहुत बार आपके साथ होगा, नोट कर लेना सब, ये बहुत बार आपके साथ होगा कि क्वेश्चन में कुछ उल्टा पुल्टा यदि कोई ऑप्शन देख लिया या वर्ड देख लिया तो आप घबरा के छोड़ना शुरू कर देते हो। क्वेश्चन बहुत इजी भी हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ध्यान देना कि अच्छा जो सिंपल चीज मैं पढ़ रहा हूं उससे ये रिलेटेबल है या नहीं है। ओके और ये गेट का एग्जाम नहीं है, जैसे मेनली जेईई एई और ये सब के लिए है, गेट वालों का बेसिक पार्ट है, गेट के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, तो वो दूसरी बात है। तो मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया हूं, ठीक है, जो भी लाइव देख रहा है उसके लिए दूसरा लाइव स्ट्रीम होगा, हाँ वो भी पढ़ सकते हैं क्योंकि उसका फाउंडेशन बेस बढ़िया बन जाएगा, बट गेट में अटेम्प्ट करने के लिए आपको समय ज्यादा देना पड़ता है, एक क्वेश्चन में 5 मिनट भी समय, 3 मिनट 2 मिनट 4 मिनट ऐसे समय देके सॉल्व करना पड़ता है, तो उस लेवल के क्वेश्चन को हम यहाँ पे अभी नहीं लाए हैं। ओके चलो, तो समझ में आया ये चीज। ओके तो ये साइकोलॉजी को भी ध्यान में रखना है। अब ये 4 क्वेश्चन ही हमने पहले पार्ट से लाया है,
अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट में हमें पूरा क्या चीज पढ़ना है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ओके देखो, इससे इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन थोड़े कम भी आएंगे। मैंने यहाँ पे ला दिया है कि जो जो क्वेश्चन आपको मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ला दिया और रिमाइंड करा दिया। ओके अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। सेकेंड पार्ट में हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपका वोल्टेज एंड करेंट मेजरमेंट आता है, ठीक है, वी एंड आई मेजरमेंट आता है। और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इवन जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे उसमें मिल जाएंगे। तो इसको इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको जानना भी है। अब होता क्या है, पहला दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमारे पास वोल्टेज और करंट मेजर करने के लिए चाहे कोई भी सर्किट हो, डीसी एसी कुछ भी सर्किट हो, एक चीज क्लियर है कि हमारे पास में हम जब भी वोल्टेज, जैसे हमारे पास में कोई सर्किट दिया रहेगा, तो जब भी सर्किट दिया रहेगा और मुझे यदि उसमें वोल्टेज और करंट को मेजर करना है, तो एक चीज डेफिनेट है कि हम उसमें क्या करेंगे, उसके सीरीज में अमीटर को लाएंगे और पैरेलल में वोल्टमीटर को लाएंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा जहां पे भी वोल्ट मीटर का अभी चर्चा होगा वहां पे मैं बताऊंगा। तो एक चीज यहाँ पे ये होगा कि जो भी अमीटर करंट मेजर करने के लिए आप लाओगे तो वहां पे ऐसे सीरीज में लगाओगे, और जो भी वोल्ट मीटर को लाओगे तो यहाँ पे ये वोल्टेज को ऐसे लाओगे। तो कॉमन सेंस के अनुसार से कुछ लॉजिक आपके पास में क्या होना चाहिए कि अमीटर मतलब करंट मेजर करने के लिए हमेशा सर्किट के सीरीज में आपको इंस्ट्रूमेंट को लगाना पड़ेगा, और वोल्टेज मेजर करने के लिए जिसके अक्रॉस में चाहिए उसके अक्रॉस में इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। और वो कॉमन सेंस का लॉजिक एक बहुत सारे चीज आपको ये देगा कि अमीटर यदि सीरीज में लगाने जा रहे हैं तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, मतलब आर ए का वैल्यू कम से कम होना चाहिए। कई सारे क्वेश्चन का जवाब आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा सर्किट में देखते हुए। यहां वोल्टेज है तो इसमें करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, इसमें करंट फ्लो होती है तो एरर प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब कॉमन सेंस से आ जाएगा कि एमीटर को सीरीज में जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे, एमीटर में लो रेसिस्टेंस होना चाहिए, वोल्ट मीटर का हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए, ये सब चीज कॉमन सेंस में आना शुरू हो जाएगा। तो इतना आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। अब क्या होता है, हमारे पास वोल्ट मीटर या अमीटर बनाने के लिए जो सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। जो सबसे बेसिक एलिमेंट हमारे पास में होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर बनता है ये सबसे बेसिक करेंट सेंसिंग एलिमेंट हो जाता है, और हमें इसमें दो चीज स्पेसिफाई करना पड़ता है ना, इसी को बाद में हम वोल्ट मीटर या अमीटर में बदलते हैं। तो ये सबसे हमारे पास में क्या है, एक बेसिक करंट सेंसिंग एलिमेंट है, तो बेसिक करंट सेंसिंग एलिमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या चाहिए होता है, आपको इसका इंटरनल रेसिस्टेंस चाहिए होता है और आपको इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट चाहिए होता है, जिसे हम आईएमबी कह सकते हैं। एक बार ये चीज मालूम हो जाए तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर और एमीटर में। एकदम एक लाइन में मैं सीक्वेंस में आपको याद दिलाते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, आप बस मेरे साथ बने रहोगे तो बहुत सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा, और फिर हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे चीज रिमाइंड कर लेंगे, जितना फाउंडेशन आपको चाहिए वो, और फिर क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारा चीज हमारा रिमाइंड हो जाएगा। अब क्या होता है, ये हमारे पास में बेसिक सेंसिंग करेंट सेंसिंग एलिमेंट हो गया, ये करंट को सेंस करेगा और डिफ्लेक्शन शो करेगा। यदि आईएम देते हो तो फुल स्केल पे रहेगा, आरएम उसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाता है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो सबसे फेमस पार्ट है इसमें वो ये है कि ये जो गैल्वेनोमीटर बनाने का तरीका हमारे पास में है वो क्या क्या चीज है। तो गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए आपके पास कितने सारे जो तरीका है वो ये है कि आप इस गैल्वेनोमीटर को तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बना सकते हो। एक है पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, और सम टाइम परमानेंट मैग्नेट को स्किप करके मूविंग क्वाइल बोल देगा। तो मूविंग क्वाइल का मतलब होता है कि वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपके पास में एमआई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और तीसरा जो आपके पास में है वो ईडीएम, ईडीएम या ईएमएमसी
है ना, EMMC से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल हो जाता है, या इसी को हम EDM भी कहते हैं, EDM भी कहते हैं। ये तीन डिफरेंट टेक्निक्स से ये गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि ये चीज आपको सिर्फ डीसी के लिए होता है, ये जो होता है वो डीसी प्लस एसी दोनों के लिए होता है, और ये जो होता है वो डीसी प्लस एसी दोनों के लिए होता है। ये चीज ऐसे हम ये तीन डिफरेंट टेक्नोलॉजी से ये गैल्वेनोमीटर बनाते हैं। तो एक तरह से जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा वो पीएमएमसी के बारे में पूछा जाएगा और एमआई के बारे में पूछा जाएगा। ईडीएम का, जैसा मैंने आपको बताया है, पावर कैलकुलेशन में जो पार्ट थर्ड में हमने रखा है उसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है और वहां पे पूछा जाएगा। तो ज्यादातर वोल्टेज और करंट, मैं आपको साथ साथ जानकारी भी दे रहा हूं कि जब आपको क्वेश्चन बनाने के लिए प्रिपेयर होना है तो माइंड सेटअप कैसा रखना है, जब आप सारा चीज जानते हो तो क्या लिस्ट पार्ट है जो जिसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है, तभी जाके आप क्वेश्चन खूब सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और इस एक स्नैप होना चाहिए आपके दिमाग में कि ओके ये पार्ट मेरा एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसे ये पार्ट, ठीक है। इसके साथ साथ एडिशन में जैसे जैसे आप स्टेज बढ़ाते जाओगे रिवीजन का, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसमें ऐड ऑन करते रहो, क्वेश्चन बनाओ उसमें कुछ ऐड ऑन कर लो कि ओके ये भी मैं ध्यान रखूंगा, इस क्वेश्चन को मैं ध्यान रखूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन के थ्रू मैं बहुत सारी चीज याद कर पा रहा हूं, ऐसे करके। तो पीएमएमसी, एमआई और ईडीएम, ये तीन चीज जिसमें से इन दोनों में से सबसे ज्यादा चीज पूछा जाएगा। अब जो सबसे कॉमन पार्ट होता है कि जब हम इसका कन्वर्जन करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें वोल्ट मीटर और आमीटर में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो क्या करते हैं, देखो तो जब हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो इसको यदि मुझे सपोज करो कि आमीटर में कन्वर्ट करना है, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कलर दूसरा और दूसरा सेलेक्ट करना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा हो, मुझे लगता है यही है, चलो ठीक है इसको रखते हैं। तो यहाँ पे यदि इसको आमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसी गैल्वेनोमीटर में आपको एक शंट रेसिस्टेंस या इम्पेडेंस की जरूरत होगा, डिपेंडिंग अपॉन ये एसी है या डीसी है, गैल्वेनोमीटर क्या है उसके अनुसार से, ओके। तो अभी मैं इसको पीएमएमसी मान के चल रहा हूं, तो इसीलिए यहाँ पे सिंपल रेसिस्टेंस लगा देंगे RSH, और यहाँ पे तो RM दिया ही हुआ है और यहाँ पे IM दिया हुआ है, और मुझे इसे एक्सटेंड करना है I रेंज तक के लिए, तो शंट में लगा देते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आपको बेसिक चीज क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ RM, जैसे यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज बराबर होता है उसको ध्यान में रखना है, और इसी चीज को यदि वोल्ट मीटर में हमें लाना है तो हम क्या करते हैं, उसी गैल्वेनोमीटर में हम आगे सीरीज में रेसिस्टेंस ऐसे लगा देते हैं, और वो चीज हमारे पास में RS ऐसे आ जाता है, यहाँ पे RM है और बाकी चीज यहाँ पे हमें पता ही रहेगा IM और ये सारा चीज, ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया। तो ये बेसिकली एक आमीटर हो गया, ठीक है, और ये बेसिकली आपको एक वोल्ट मीटर हो गया, ओके। अब आपको थोड़ा थोड़ा रिमाइंड क्या करना है, क्या चीज रखना है उसको ध्यान में रखो। जैसे जब भी कैलकुलेशन की बात होगी तो आप दिमाग में कभी भी उसका वहां से कोई फॉर्मूला लेके मत चलो, फॉर्मूला लेके चलोगे तो जितने भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी ट्विस्ट होगा आप वहां पे गड़बड़ कर दोगे। आप ऑन द स्पॉट इसको एज अ सर्किट मानो कि मेरे पास एक सर्किट है, जो इंफॉर्मेशन पूछा है मैं निकालूंगा, यहीं पे निकालूंगा। जैसे पहले केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकालने के लिए कह सकता है वो शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कह सकता है, और यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस निकालने के लिए कह सकता है, और यहाँ पे ये देगा कि मैं इसको वी रेंज तक इसको क्या करना चाहता हूँ, एक्सटेंड करना चाहता हूँ, मैं इसको आई रेंज तक एक्सटेंड करना चाहता हूँ, यही देगा। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ IM चला गया तो यहाँ पे I-IM चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज बराबर करने के लिए IM टाइम्स ऑफ RM जो होगा वो चीज को हम सिंपली ये कर देंगे कि यहाँ से I-IM टाइम्स ऑफ RSH रख देंगे। अब जो चीज यहाँ पे पूछा गया है हम उसके अनुसार से क्या कर देंगे, यहाँ पे आंसर लिख देंगे, RSH का वैल्यू उसी समय कैलकुलेट करके रख देंगे। तो कोई भी चीज हमें याद नहीं करना पड़ा, ऑन द स्पॉट हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑन द स्पॉट हम एक नेटवर्क की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो हमें बर्डन कम लेना पड़ेगा, नहीं तो बर्डन ज्यादा हो जाता है, मतलब कैरी करना जितना ज्यादा कोशिश करोगे उतना बर्डन, उतना क्वेश्चन पे दिमाग कम चलेगा और याद करने वाले पार्ट पे ज्यादा लोड हो जाएगा। तो ये सब रिलीफ रखना है,
ठीक है, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हो उससे पहले ये सब रिलैक्सेशन माइंड का बहुत जरूरी होता है। ओके, उसी तरह से इसमें कैलकुलेशन क्या होगा, जब हम वी वोल्ट दे रहे हैं और इसमें आई एम करेंट जा रही है, तो सिंपल सी हो गया कि यहाँ पे आई एम जो होगा वो वी अपॉन आर एम प्लस आर एस के बराबर हो जाएगा, आर एम प्लस आर एस के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ का यहां से हमें जो चीज आर एस निकालना है फिर यहां पे करेंगे, आई एम को नीचे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और सारा चीज हमारा वहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपल ये क्या है कि पूरा वोल्टेज वी है तो इसमें दो रेसिस्टेंस ही तो लगे हैं, तो आई एम का वैल्यू वी बाई आर एम प्लस आर एस होना चाहिए, वहां से बाकी कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि वोल्ट मीटर अमीटर को हम एक गैल्वेनोमीटर से कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या चीज हमें बेसिक ध्यान में रखना है कि ऑन द स्पॉट में काम कर सकूं, वहां पे कोई दिक्कत ना हो, तो वो चीज आपको यहां पे समझ में आ गया। अब इन एडिशन आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए उस पर मैं बात करता हूं कि जो हमारे पास में पीएमएमसी है, एमआई है और ईडीएम टाइप का है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या ध्यान में रखोगे तो आप एडिशनल जो क्वेश्चन आता है वो सब चीज पूरा कर सकते हो। वो सब पूरा करने के लिए मैं बता दूं कि जैसे आपको कुछ चीजें जो सबसे बेसिक है ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो पीएमएमसी होता है ना, जो पीएमएमसी होता है वो पीएमएमसी में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम कहते हैं BINA। तो यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ गया कि पीएमएमसी में जो भी डिफ्लेक्शन टॉर्क बनेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आई के प्रोपोर्शनल होगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि टीडी जो प्रोपोर्शनल होता है वो आई का होता है, तो ये सीधे इंडिकेट करना शुरू कर देता है आई के प्रोपोर्शनल तो यूनिफॉर्म स्केल होगा। आई यदि माइनस आई होता है तो टॉर्क का डायरेक्शन बदल जा रहा है, इसका मतलब इसमें एसी नहीं लगा सकते। तो ये सब सारी चीजें इसमें क्या होता है कि आपको वो सिर्फ टॉर्क के एक्सप्रेशन में छुपा रहता है, तो वहां से आप सब चीज को सॉल्व करना शुरू कर दोगे। बाकी दूसरा जो टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो स्प्रिंग लगाते हैं, तो स्प्रिंग लगाते हैं तो ऑब्वियसली कंट्रोलिंग टॉर्क जो हो जाएगा वो के टाइम्स ऑफ थीटा हो जाएगा, और जब दोनों के स्टेडी स्टेट में देखते हैं तो थीटा प्रोपोर्शनल टू आई आ जाता है। वो सब ऑन द स्पॉट समझने वाली बात है, लेकिन इतना ध्यान में रखना जरूरी है। इसके एडिशन में क्या क्या चीज और ध्यान में रख सकते हो, जैसे अब वहां पूरा लिखना बहुत मुश्किल है कि हम परमानेंट मैग्नेट लगाए हैं। परमानेंट मैग्नेट मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब ये जो टॉर्क है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, और जहां टॉर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता है टॉर्क बाई वेट रेशियो ज्यादा हो जाता है, और टॉर्क बाई वेट रेशियो ज्यादा मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन गया हो, ठीक है। टॉर्क बाई वेट रेशियो एक तरह से उस इंस्ट्रूमेंट के क्वालिटी को बता सकता है, ठीक है, तो सेंसिटिविटी अच्छी हो जाती है उसकी। ओके, तो ये चीज हमारे पास में पीएमएमसी में है। जैसे ही हम एमआई इंस्ट्रूमेंट में आते हैं तो आपको हल्का सा ध्यान में देना चाहिए, आपको ख्याल होगा जैसे इसमें पीएमएमसी में बैकग्राउंड में एक आपको क्या चाहिए, एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी चाहिए, है ना। वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि जैसे पीएमएमसी में क्या करते हैं, हमारे पास दो परमानेंट मैग्नेट होता है ना, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ, और बीच में हमारे पास में क्वाइल होता है, और ये क्वाइल जो होता है इसी पे आपका ये चीज बना रहता है। कम से कम इतना ध्यान में रहना चाहिए। और जब आप डिटेलिंग में पढ़ रहे हो तो जैसे नोट्स वाले पार्ट पे, देखो मैंने क्या कहा था, रिवीजन का तरीका थोड़ा बदलोगे तो वापस जाके नोट पढ़ने का भी मन करेगा, लेकिन उस नोट को उठा के आप फिर ऐसे रीड करना शुरू करोगे तो क्या होगा, आपको बोरिंग सा महसूस हो जाएगा। जैसे आप लोग फील करते होगे, बहुत लोगों को पढ़ाई शुरू करते ही नींद आनी शुरू हो जाती है, उसका कारण यही होता है, ठीक है। चलो, तो ये चीज हो गया। एमआई इंस्ट्रूमेंट में जैसे ही आते हैं तो वहां पे दो तरह के, एक अट्रैक्शन टाइप का, रिपल्सन टाइप का, उसका बेसिक आपको याद होगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और दो आयरन पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट ने अट्रैक्ट किया तो वो उस अट्रैक्शन को फिर हम मूवमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, और दो आयरन रखा हुआ है तो दो आयरन में सेम पोल इंड्यूस होने की वजह से रिपल्सन भी हो सकता है। बट दोनों के केस में जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट था कि जो टीडी था वो कितना था, तो जो टीडी है वो था आई स्क्वेयर टाइम्स ऑफ आई वन बाई टू आई स्क्वेयर टाइम्स ऑफ सॉरी इसमें जो हमारे पास में एमआई इंस्ट्रूमेंट में था वो वन बाई टू आई स्क्वेयर डीएल बाई डी थीटा था, क्योंकि यहां पे मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर में आप आयरन को इंसर्ट कर दो उसका सेल्फ इंडक्टेंस चेंज होता रहेगा, तो हाफ टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर डीएल बाई डी थीटा रखोगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपको मिल जाएगा। यहां पे आपको सीधे दिख गया कि टीडी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो गया। जैसे ही आई स्क्वायर हो गया तो बहुत सारी चीज आपको क्लियरिटी में आ गया कि आई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ
कि इसमें प्लस माइनस करंट देंगे, टॉर्क का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, मतलब एसी डीसी दोनों के लिए है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होगा, ये सब सारे चीज आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो बहुत स्ट्रांग टॉर्क नहीं मिलेगा, तो उतना स्ट्रांग टॉर्क नहीं मिलेगा, वो सब चीज एडिशनल आ जाएगा। और बाकी टी सी इजकल टू के थीटा, यहाँ पे अब यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ईएमएमसी में वही चीज जाते हैं तो क्या होता है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बनता है वो कितना बनता है, तो आपको याद होगा आई वन इंटू आई टू इंटू डीएम बाई डी थीटा हो जाता है, वेयर आई वन आई टू क्या होता है, दो पार्ट। इसमें रफली याद रखोगे तो आपके पास एक करंट क्वाइल होता है और एक प्रेशर क्वाइल होता है, लेकिन जब करंट क्वाइल और प्रेशर क्वाइल हम तब इसको इंडिकेट करते हैं जब हम पावर में जाते हैं, अदरवाइज मूविंग क्वाइल एंड फिक्स क्वाइल होता है ना, फिक्स क्वाइल और मूविंग क्वाइल होता है। इसके टर्म्स में देखते हैं, तो जो मूविंग क्वाइल से करंट जाएगी वो यदि हमारे पास में आई वन है और जो सॉरी फिक्स क्वाइल से और मूविंग क्वाइल से है वो आई टू है, तो आई वन आई टू इंटू डी एम बाई डी थीटा हो जाएगा। ओके और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कि जब ये साइनोसाइड्स के टर्म्स में था तो यही चीज यदि साइनोसाइड्स के लिए देखते थे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाता था आई वन का आर एम एस वैल्यू, आई टू का आर एम एस वैल्यू, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम है ना, और डी एम बाई डी थीटा। और यहाँ पे यही चीज एक वोल्टेज का यदि हम देख ले मूविंग कॉइल को वोल्टेज का, तो ये हो जाता है V इंटू आई इंटू कॉस फाई और तब डीएम बाई डी थीटा, और ये एक तरह से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है एक्टिव पावर को, है ना, एक्टिव पावर को जिसको हम पावर वाले पार्ट में करते हैं। इतना मिनिमम आपको याद रहना चाहिए, ओके, और तब जाके आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो। तो अभी हम क्वेश्चन पे भी आते हैं, ठीक है। बाकी एडिशन के बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट होता है, उसको फिर से जैसे जब हम अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने के बाद हम फिर से वापस जाके चीजों को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। अब इन तीन के अलावा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो ये जो तीन हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए, जिसको बाद में हम वोल्टेज या करेंट मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर या एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी है जिसका छोटा छोटा पोर्शन मैं आपको समझाना चाहूंगा। वो चीज को मैं यहां पे बता देता हूं कि उसके अलावा भी हमारे पास में कुछ मेथड है जिससे करंट या वोल्टेज को मेजर किया जा सकता है, उसको आपको नोट कर लेना है। जैसे पहला चीज ऐसा हो सकता है कि हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट बन गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा, मैं ये चीज आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, हमारे पास दो प्लेट है, सपोज करो कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है, छोटा छोटा चीज को हमें समझना है, ओके? चलो सबको मजा आ रहा है ना रिवाइज करने में, या सब ऐसी वो हो रहे हो, चीजें रिमाइंड हो रही है, फिर अभी हम इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं लाया हूं तो इस पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन और कुछ कुछ जो नए चीजें है वो वहां पर बताते रहूंगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे अभी, ठीक है। तो हमें दोनों मकसद पूरा होना चाहिए कि जो चीज़ हम ये पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस, दोनों चीज़ हमें मकसद पूरा होना चाहिए, ठीक है। चलो ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसके डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ के कंपैरिजन में चीज़ें पता होनी शुरू हो जानी चाहिए। जैसे सपोज करो कि हमारे पास दो प्लेट है, हमें इसे मूव कराना है, हम एक काम कर सकते हैं, इसके अक्रॉस में एक वोल्टेज देंगे, और आपको पता ही है कि जैसे ही वोल्टेज देते हैं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जैसे ही ऐसा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमें एक क्या दिखना शुरू हो जाएगा, फोर्स, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा फोर्स से, ठीक है। अब सोचो यदि मैंने कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि इसको कर दिया फिक्स्ड, इसको कहा कि तुम यहीं पे रुके रहो, इस प्लेट को कर दिया फिक्स्ड, और इसको कहा तुम मूव कर सकते हो, तुम्हारे लिए मैं दोनों स्पेस देता हूं, तुम इधर से इधर मूव कर सकते हो, तो इसको हमने मूवेबल छोड़ दिया, इसे हमने मूवेबल छोड़ दिया, और यहां पे एक स्प्रिंग लगा दिया, एक स्प्रिंग लगा दिया, ऐसे करके यहां पे स्प्रिंग लगा दिया। अब क्या होगा, इस वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाओगे यहां पे चार्ज बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, उसको उतना ही से खींचेगा। अब सोचो एक सिंपल सा अरेंजमेंट यदि मैं यहां पे ये कर दूं, एक सिंपल सा अरेंजमेंट, एक चीज यहां पे ये कर दूं कि मैं यहां पे एक ऐसा लेके एक इंडिकेटर बना दूं और यहां पे स्केल रख दूं, इंडिकेटर बना दूं और यहां पे स्केल रख दूं, तो आपको नहीं लगता कि एक मीटर बन गया, कि वोल्टेज को बढ़ाओ, वोल्टेज को बढ़ाओ, वोल्टेज जैसे ही बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो यहाँ से यहाँ पे ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा जैसे ही फोर्स बढ़ा, तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर बन गया।
ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि जैसे ये आपने यहां पे प्योर इंडक्टेंस की वजह से देखा था, हाफ आई स्क्वायर डीएल बाई डी थीटा, बिल्कुल यहां पे क्या हो जाता है, जो यहां का फोर्स होता है वो होता है हाफ और वी स्क्वायर टाइम्स ऑफ डीसी बाई डी थीटा। यहां पे क्या होगा, कैपेसिटेंस बदलेगा, और कैपेसिटेंस जैसे ही आपके पास होता है, आपको पता है कि सी जो होता है वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर होता है, तो वो फॉर्मेट में आ गया। तो आपको ये सीधे ऐसे ध्यान में रखना है, मतलब यहाँ पे दैट इज ये हो गया कि जो फोर्स हो गया ये प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो गया, इससे पहले वो आई स्क्वायर था इंडक्टेंस के लिए। तो थोड़ा सा आपको रिलेटेबल भी लग रहा होगा कि वहां पे इंडक्टेंस को यूज करके हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, इलेक्ट्रोस्टैट में हम कैपेसिटेंस को यूज करके एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, वहां पे आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वहां पे डीएल बाई डी थीटा था, यहाँ पे डीसी बाई डी थीटा है, ठीक है। उसी तरह से हम स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, ये सारा चीज है, वी स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है एसी डीसी दोनों के लिए काम कर सकता है, बट ये करंट मेजरमेंट के लिए नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, इट कांट मेजर करंट, है ना, इट कांट मेजर करंट, क्योंकि कैपेसिटर में जब आप कांट मेजर करंट, कैपेसिटर में जब आप करंट देते हो तो इंपल्स वहां पे आता है, वो बेसिक का है। तो जस्ट दिमाग में रख लो कि करंट मेजर नहीं करेगा, ओनली वोल्टेज मेजर करेगा, है ना, ओनली मेजर वोल्टेज, ओनली मेजर वोल्टेज, ठीक है, सिर्फ वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक है। हाँ मतलब इसमें डीएक्स कर दो, ठीक है, डी थीटा के जगह पे यहाँ पे डीएक्स कर दो, अच्छा रहेगा कि इन दोनों के बीच में जो एक्स है वो एक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक किसी ने कहा डीएक्स तो ठीक है ना जयदेव। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। उसी तरह से हमारे पास में और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ये कुछ सीरीज उसका है तो उसमें मैं बता देता हूँ। तो ये एक चीज होता है कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट अक्सर क्या होता है कि जैसे कोई वायर है और यदि आप इससे करंट को भेजोगे, यदि करंट को भेजोगे तो इसमें लॉसेज होता रहता है, ठीक है, और जो लॉसेज होता है ये लॉस को आप चाहो तो लिख सकते हो आई स्क्वायर और इस वायर का रेसिस्टेंस। और लॉस जब इसमें होता है तो इसका लेंथ बदलना शुरू हो जाता है, और जब लेंथ बदलना शुरू होता है तो हम इसको, इस मूवमेंट को हम कैप्चर कर सकते हैं किसी पॉइंटर के मूवमेंट में। तो ये चीज जिस बेस पे होता है इसको हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इतना चीज आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इसको हम कहते हैं। और हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में सिंपल सा ये हो गया कि आई स्क्वायर आर हुआ, आई स्क्वायर आर की वजह से हमारे पास में हीट हुआ, हीट की वजह से टेम्परेचर में चेंज हुआ, टेम्परेचर की वजह से लेंथ में चेंज हो गया, और लेंथ की वजह से, लेंथ में चेंज होने की वजह से हम इसमें डिफ्लेक्शन ला सकते हैं, थीटा में चेंज ला सकते हैं, और यही पे, इसी पे बेस हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें बस ध्यान में ये रखना है कि जो थीटा होता है वो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे हीट के पूरा प्रोपोर्शनल है, तो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो ऑब्वियसली ये जो मेजर करके देगा वो आरएमएस मेजर करके देगा, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर को मेजर करके देगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी रूट मीन स्क्वायर ऑफ वी को देगा, जैसे एमआई भी रूट मीन स्क्वायर ऑफ आई को देगा, उसी तरह से ये भी रूट मीन को ऐसे देगा, ठीक है। ये एक हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हो गया। उसी तरह से एक थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट भी होता है। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, उसमें सिंपल सा एक चीज होता है कि यदि हमारे पास में दो जंक्शन है और दो मेटल है और दो डिफरेंट मेटल में जंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे जंक्शन बना हुआ है, और इसको यदि आप दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रख देते हो, T1 T2 दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रख देते हो, और आप यदि ये कोशिश करते हो कि इसके अक्रॉस में हम वोल्टेज को मेजर करके देखें, इसके अक्रॉस में वोल्टेज को मेजर करके देखें, तो यहाँ पे आपको एक ईएमएफ दिखाई देगा, और ये ईएमएफ इस टेम्परेचर पे होगा। तो होता क्या है, जैसे हमें सपोज करो कि करंट मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे रेसिस्टेंस लेंगे और इसमें वो करंट को भेज देंगे जिसको मेजर करना है, और इसको एक चैम्बर में रख देंगे, इसको एक चैम्बर में रख देंगे, तो होगा क्या कि जो यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगा ये टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, और ये T2 को हम रेफरेंस रख देंगे, जैसे रेफरेंस मतलब जीरो 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 डिग्री पे हम रख दिया, तो जैसे जैसे यहाँ पे हीट जनरेट होगा वैसे वैसे आपको ईएमएफ मिलेगा। इस ईएमएफ को आप पीएमएमसी से मेजर कर लो, इसको पीएमएमसी से मेजर कर लो, तो ये ईएमएफ और ये करंट, ये दोनों चीज क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका ये होता है
कि इस थर्मोकपल में जो ईएमएफ होता है ये प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है या टेम्परेचर चेंज होता है, और इसमें हम ये टेम्परेचर चेंज हीट के प्रोपोर्शनल होता है, और जो हीट है वो आई स्क्वेयर आर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहाँ पे एक तरह से हम करंट को मेजर कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर करंट मेजर करने के लिए जब हमारे पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है तो इसको क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया कि यदि आप आई हाई फ्रीक्वेंसी का है, हाई फ्रीक्वेंसी का है, तो हाई फ्रीक्वेंसी का जो करंट होगा उसको आमीटर से मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम उसको इनडायरेक्ट तरीके से मेजर करते हैं। पहले उससे हीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, हीट से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर से जो ईएमएफ थर्मल ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हुआ, थर्मल ईएमएफ इसको कहते हैं, उसको पीएमएमसी से मेजर कर लिया, और वो चीज़ डायरेक्टली करेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये आपके पास में थर्मोकपल टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो गया, इसको हम कहते हैं थर्मोकपल, ठीक है, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ये चीज आपके पास में थर्मोकपल हो गया। इस तरह से मतलब वोल्ट मीटर एमीटर में ये तीन और एडिशनल पार्ट हो गया जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज और करंट को मेजर कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक सिर्फ वोल्टेज के लिए हो गया, आपके पास हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट मतलब कि आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, तो हम दोनों चीज मेजर कर सकते हैं, और हाई फ्रिक्वेंसी के उसके लिए मेजर कर सकते हैं, और ये आपके पास थर्मोकपल भी हाई फ्रिक्वेंसी करंट मेजरमेंट के लिए हो गया। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वोल्टेज के लिए सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है, सिर्फ वोल्टेज के लिए यूज करेंगे, बट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर से हम ये फोर हो गया था, फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है तो अटेम्प्ट करना आप लोग शुरू करो, और ये इसको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में लिख देता हूँ, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। और अब इसका बताओ, थर्मोकपल मीटर आर एसी मीटर दैट रिस्पॉन्स टू द डैश ऑफ द सिग्नल। थर्मोकपल अभी हमने पढ़ा, कॉमन सेंस भी लगाया करो, ठीक है, एसी मीटर है, ठीक है, किसको रिस्पॉन्स करता है? जहां पर भी आई स्क्वेयर आ गया है वो आरएमएस को करता है, देखा है ना आपने, जहां पर भी आई स्क्वेयर आ गया, यहां पे आई स्क्वेयर आर हीट है, उसी के प्रोपोर्शनल सब चीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये आरएमएस को करेगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर इसमें फोर हो जाएगा, ठीक है, जहां पर भी आपको आई स्क्वेयर टाइप का चीज दिखे वो आरएमएस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, वो आरएमएस ही मेजर करेगा, कॉमन सेंस भी हो गया, ठीक है। चलो, कई सारे बच्चों ने यहाँ पे वो किया है, ठीक है, नेक्स्ट में चले। हाँ, वेरी गुड, बहुत सारे ने सही किया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, सिक्स नंबर को बनाओ। जैसे देखो मैंने कहा था ना आपको, कहीं कहीं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी थोड़ा सा रहेगा, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि लेबोरेटरी में जो डी आर सोनवल मीटर यूज करते हैं उसका जो एरर टाइप का चीज होता है, ठीक है, यूज इज कॉमन लेबोरेटरी मीटर इज अबाउट डैश ऑफ द फुल स्केल रीडिंग, फुल स्केल रीडिंग का कितना एक्यूरेसी उसका होता है। और जैसे फुल स्केल का एक्यूरेसी का मतलब आप समझ जाना कि ये एरर के बारे में बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप वो 99% वाला चीज आप समझ जाओ, ये गारंटीड एक्यूरेसी एरर के बारे में चर्चा कर रहा है कि फुल स्केल का कितना होता है लगभग। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ओके, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को हमें याद करना पड़ता है, और मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है कि जो भी फैक्ट बेस्ड टाइप का क्वेश्चन भी होगा जिसमें आपको याद करना है वो भी मैं ला दूंगा इसमें, ताकि आपको कभी क्वेश्चन आए तो घबराहट ना हो कि कहां से आ गया। फोर होगा 1%, ठीक है, फोर होगा 1%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में फोर्थ नंबर है 1%, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन में हल्का सा मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ये क्वेश्चन लाया है जो चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ो और अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और उसके बाद में इसके पीछे का थ्योरी भी बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे है, इसके पीछे का थ्योरी भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर सेवन हो गया ना, तो सेवन नंबर को क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो, इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है जो मैंने आपको अभी रिवाइज नहीं कराया, तो वो चीज इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा और उसका एक फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा।
इंडक्टेंस का टर्म सर, डीसी मेजरमेंट में इंडक्टेंस का टर्म जैसे आता है, नहीं आता है, डीसी मेजरमेंट में इंडक्टेंस का कोई रोल नहीं होगा, एसी मेजरमेंट में होता है। सेवन नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर सेवन को कोशिश करो बनाने की। यहां पे सिग्मा यूज होगा क्या? चलो, अब मेरा अभी समय देने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप एक बार क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लो, तो मैं बताऊं तो चीजों को ध्यान रखना। ये चीज अब ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है। यहां पे दिया हुआ कि एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है, इज यूज्ड टू मेजर अ क्वांटिटी एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स। डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स में एक क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी आर टू बी द सेम। सभी में एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम है, ओके। However, the measured value are different. जैसे ट्रू वैल्यू तो एक होता है, measured value जैसे अलग अलग होता है, तो बार बार हमने measure किया। A set of five measurement that were recorded at the different time instances are the same. मतलब same experiment, पांच बार जब आपने उसे measure किया तो कुछ इस तरह का डेटा आपके पास में आ गया, कुछ इस तरह का डेटा आ गया आपके पास में, ठीक है। 98, 101, 99, 100, 102। और कह रहा है कि फाइंड द प्रेसिजन ऑफ द थर्ड मेजरमेंट। मतलब इस 99 का कितना प्रेसिजन है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं समझा देता हूं। आपने दो तीन तरह से प्रेसिजन को देखा है। एक जो मोस्ट रिपीटेड डेटा होता, यहां पे रिपीटेशन तो कोई नहीं है, है ना। और आपको मैंने यह बताया था कि जैसे कोई, यदि सपोज करो कि उसका हर एक जो एम है वो नजदीक नजदीक में है, तो हम कहते हैं हाई प्रेसाइज है। यदि दूर दूर में है तो हम कहते हैं लेस प्रेसाइज है। ये सब चीज इसका फंडामेंटल डेफिनेशन हो गया कि इसका प्रेसिजन बहुत हाई है और इसका प्रेसिजन बहुत बेकार है। लेकिन जब डेटा दिया रहे और किसी एक, जैसे 99 का प्रेसिजन पूछा है कि कितना है, तो आपको एक खास मैथमेटिकल रूल को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है वो मैं पहले बता देता हूं, और वो चीज अभी से आप नोट में एड ऑन कर लोगे, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप उसमें सॉल्व कर लोगे। आने का चांस थोड़ा कम रहता है क्योंकि एरर तक ही एनफ है, और आपको प्रेसिजन कहां से ही पूछेगा, लेकिन पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे एड ऑन कर लेते हैं। क्या होगा, सबसे पहले हम जब भी प्रेसिजन निकालना होगा तो सबसे पहले हम पहला कैलकुलेशन करेंगे एक्स बार का, मतलब एवरेज निकाल देंगे। तो एवरेज क्या होगा, जितने भी यहां पे दिया हुआ है x2, x3, x4, x5, इस x5 तक ऐड करके और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। तो सबसे पहले एवरेज कैलकुलेशन करो। हमारे पास 98 है, 101 है, 99 है, 100 है, 102 है अपॉन 5, तो कितना आया, 100 आया। ये हमारा एवरेज वैल्यू आ गया, ठीक है, एवरेज वैल्यू आ गया, ओके। पहला चीज, चलो अब यहां पे हम क्या करेंगे, जब आपसे पूछा कि प्रेसिजन फॉर पार्टिकुलर रीडिंग इज गिवन बाय, जब कोई पार्टिकुलर रीडिंग का प्रेसिजन पूछा, जैसे यहां पे इस क्वेश्चन में थर्ड रीडिंग का प्रेसिजन आपसे पूछा है कि थर्ड रीडिंग का प्रेसिजन कितना है, तो हम क्या करेंगे, उस थर्ड रीडिंग माइनस एवरेज वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू का मॉड, और उसको वन से माइनस कर देंगे। यही फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है, जो अभी तक प्रेसिजन में मैंने नहीं बताया था, यहां पे नोट कर लेना। तो ये चीज से हमें क्या मिल जाएगा, थर्ड का प्रेसिजन मिल जाएगा। तो पहला वन हो गया, 99 का प्रेसिजन हमें देखना था, तो 99 माइनस 100 अपॉन 100 एवरेज, 99 माइनस एक्स बार अपॉन एक्स बार, मतलब इसको वन माइनस जो भी वैल्यू है माइनस एक्स बार अपॉन एक्स बार का मॉड ऐसे कर देंगे तो वो उसका प्रेसिजन निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/100, और 1 - 1/100 को करेंगे तो 0.99 हो जाएगा, तो ये उसका प्रेसिजन हो गया। तो इसको आप क्या कर लोगे, नोट कर लोगे
जिसे आप डिटेल लेक्चर में नहीं पढ़े हो, तो चलो एटलीस्ट आपको ये पता है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन के थ्रू बना लिए। तो ये सब क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। एक साथ ना करके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हमें कोई चीज़ एक नया मिलता है तो हम उसे एड ऑन कर लेते हैं अपने लिस्ट में कि अब हमें ये भी ध्यान में रखना है। अभी तक डिफिनीशन, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आने का संभावना थोड़ा कम है, लेकिन कोई ठिकाना नहीं रहता। कभी कभी क्वेश्चन उठा लेता है कहीं से तो पूछ देगा, ठीक है। और मैं क्वेश्चन को इसलिए नहीं छोड़ के, जैसे अपने लेक्चर में वैसा क्वेश्चन नहीं लाया जो मैंने पढ़ाया ही नहीं फुल लेक्चर में, वैसा नहीं करूंगा। जैसे अब दिया सुन का यहाँ मैंने पूछा, ऐसा मैंने वहां पे लिखाया तो नहीं था कि इसका 1% एक्यूरेसी होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, आता है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू इसको सीख के और अपने झोली में रख लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आए मजे से हम इसको सॉल्व कर सके, ठीक है। चलो ऑल क्लियर, नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बन गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास में 3 जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसमें, देखो ये क्या क्वेश्चन दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 को आप वो करो, अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट इट फास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। अरे आप जाके शिवा आप वीडियो लेक्चर को देख लो दोबारा, उसमें सब चीज़ बताया गया है, ठीक है। किस वजह से इंडक्टेंस चेंज हो रहा है, वो मीडियम में चेंज होने की वजह से हो रहा है, करंट में चेंज होने की वजह से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आएगा। आप लेक्चर को दोबारा, आपके ग्रुप में भी क्वेश्चन मैंने कुछ ऐसा देखा जो सीधे दिखाई ये दे रहा है कि आपने उस लेक्चर को ध्यान से देखा नहीं है। आप जाको जहां पे आपको ऐसे डाउट आता है उस लेक्चर को फिर से देखो, उस पोर्शन को, सब चीज बताया गया है कि इंडक्टेंस चेंज हो रहा है तो किस वजह से चेंज हो रहा है, मीडियम में चेंज होने की वजह से हो रहा है, करंट में चेंज होने की वजह से नहीं हो रहा है कि करंट में चेंजिंग की वजह से हम उसको इग्नोर कर दे। वहां पे आयरन पार्ट इंसर्ट बाहर या अंदर आ रहा है तो डीसी करंट दोगे तब भी वहां पे इंडक्टेंस चेंजिंग आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यहां पे इंडक्टेंस चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस है तो आएगा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज द वोल्ट मीटर रिस्पॉन्डेड विथ 0.18 वोल्ट चेंज व्हेन द इनपुट वाज वेरीड बाय 0.2 वोल्ट, फाइंड द सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का सिंपल फॉर्मूला है, आउटपुट में चेंज अपॉन इनपुट में चेंज। तो इसने वोल्ट मीटर रिस्पॉन्ड करता है 0.18 वोल्ट चेंज इन इनपुट, इनपुट जब वेरी किया था 0.2 से तो आउटपुट में 0.18 हो गया, तो दोनों का रेशियो ले लोगे तो आंसर आ जाएगा, है कि नहीं, सिंपल। ठीक है, ये आउटपुट में चेंज हो गया आपका और ये इनपुट में चेंज हो गया आपका, तो 0.18 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 0.2 से तो यही आपका सेंसिटिविटी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 कर दोगे तो पॉइंट को हटा सकते हो, तो 18/20 हो गया, 18/20 करोगे तो ये 9/10 हो जाएगा, 9/10 करोगे तो 0.9 हो जाएगा, तो 0.9 इज योर आंसर, फर्स्ट इज योर आंसर, ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 में। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग एसी सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी लोअर देन 200 हर्ट्स। 200 हर्ट्स से लोअर पे यदि हमें मेजर करना है तो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, कॉमन सेंस भी रखना, ओके, और तब आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ, हर्ट्ज से नीचे, मतलब ये किलो हर्ट्ज की तो बात नहीं की जा रही है, तो जो आप ऐसे ही सोचो नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है। देखो एक चीज क्या है कि जैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट नाम सुन के ऐसा नहीं कर लेना है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर जो है उसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है ना, यदि अच्छे ग्रेड का हमने ईडीएम बनाया है, नहीं तो पीएमएमसी का ज्यादा होता है। पीएमएमसी यहाँ पे दिया नहीं है, पीएमएमसी रहता तो चलो ठीक है हम पीएमएमसी भी लगा सकते थे, तो इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर सबसे बढ़िया है।
क्योंकि जैसे पिक रिस्पॉन्डिंग एसी मीटर वो कुछ और होता है, थर्मोकपोल क्लैंप ऑन मीटर ये कुछ होगा, लेकिन आपको जो पता है वही आंसर होता है। तो ये सब भटकाने के लिए ऑप्शन होता है, और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर का एक्यूरेसी सबसे बढ़िया हो सकता है, और इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों कंट्रोलिंग में है, फिक्स कॉइल करेंट कॉइल दोनों हमारे कंट्रोल में है, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलो 9, 10 में आ जाओ। 10 में भी उसी तरह से आपको लगाना है कि हो सकता है कि कुछ मीटर का नाम आप नहीं जानोगे, लेकिन ऑप्शन को देख के आपको लगे हाँ यही आंसर होना चाहिए, और ये उसी मकसद के लिए एडिशनल कुछ कुछ दिया भी जाता है। जैसे ऐसा नहीं कि उसको सिलेबस में पढ़ाना है, उस जैसे इलेक्ट्रोलिटिक मीटर यहाँ पे यूज किया गया है, जरूरी नहीं कि उस सिलेबस में पढ़ाना है, लेकिन इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि आपको इलेक्ट्रोलिटिक मीटर मालूम नहीं होने के बावजूद भी आंसर दे सकते हो। ये क्वेश्चन सेटर का एक तरीका होता है, क्वेश्चन जो सेटर होता है उसके दिमाग में एक रहता है कि ऐसा नहीं कि वो नाम देख के भाग जाए। चलो इसको बताओ, क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटस इज गुड, चलो ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज तो जानते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज ओनली इन डीसी मेजरमेंट। तो पीएमएमसी तो आप जानते हो कि डीसी मेजरमेंट के लिए पीएमएमसी तो यूज किया ही जाता है, बाकी यहाँ पे डायनमोमीटर टाइप है तो आपको पता है कि दोनों के लिए किया जाता है। सेडेड पोल नहीं पता आपको, इलेक्ट्रोलिटिक नहीं पता आपको, कोई दिक्कत नहीं। जब आप ऑप्शन में देखने गए तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड डी, ए एंड डी, दूसरा वाले पार्ट में बी एंड सी, ए एंड सी, ए एंड बी। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए यहाँ पे कि जैसे थोड़ा बहुत आप कुछ कुछ जानते रहोगे तब भी आपको पता चलेगा कि ए वाला ऑप्शन तो जरूर होगा, मतलब यहाँ पे ये चीज आपका नहीं होगा, बी एंड सी नहीं होगा, और बी एंड सी नहीं होगा तो ये भी आपको पता चल गया है कि ओके शायद बी और सी का डीसी से लेना देना नहीं है, ओनली डीसी से लेना देना नहीं है, इसलिए यहां पे दिया है। तो आपको वहां से भी एक चीज पता चलेगा कि इलेक्ट्रोलिटिक मीटर होगा, और थोड़ा बहुत भी आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जो बेसिक में पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या किया जाता है कि एक बैटरी लगा दिया जाता है, और बैटरी दो प्लेट होता है उस पर बैटरी लगा दिया जाता है, डीसी बैटरी, और उसके सॉल्यूशन में जो भी चीज है उसको सेपरेट कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में वो सेपरेट कर देता है और दो चीज को अलग अलग, दो मटेरियल को अलग अलग प्लेट पे डिपॉजिट करके उसे सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक में तो थोड़ा बहुत भी कहीं पे थोड़ा बहुत भी सुने हो तो वहां से कॉमन सेंस आ जाएगा और आपको लगेगा कि ओके ए और डी ही आंसर होना चाहिए और फर्स्ट इज योर आंसर। ठीक है, तो जब आपके ये रहे कि कुछ कुछ चीजें एडिशन आए तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया, और आपको वो पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेटर के दिमाग में भी यही चलता है कि चलो ये सिलेबस में तो नहीं पढ़ना है फिर भी मैं देता हूँ, और उसमें कुछ ऐसा ऐसा देता हूँ कि क्वेश्चन के आंसर में ऑप्शन में कुछ हिंट छुपाओ। चलो नेक्स्ट में, ये तो रिपीट हो गया, इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अभी 10 में कितने लोगों को कितना सही हुआ है? अभी 10 क्वेश्चन हमने किया तो आप लोग ये पार्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है तो इसको छोड़ दे रहे हैं। 10 में आपने कितने लोगों ने सही किया, आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे किसी ने 8 सही किया तो 8/10 लिख सकते हो, किसी ने 9 सही किया 9/10 लिख सकते हो, 5 सही किया 5/10 लिख सकते हो। कितने लोगों ने कितना सही किया है एक बार चैटिंग में बताओगे, मुझे थोड़ा सा अनुभव होगा कि कितना आप लोग सही कर रहे हो अभी तक में, 10 तक में। 8 सही किया है मुकेश ने, 5 सही किया जयदेव ने, अजय 8, देवांशु वर्मा 7, सौरभ 9, सुबोध 7, दीपांकर 9, विवेक पांडे 9, सुनील 8, 8, 9, 7, सुनील पटेल 9,
बेहतर है, 9 7 8। चलो, तो आपको ये सेल्फ असेसमेंट भी बहुत जरूरी होता है सेल्फ असेसमेंट में, और इसमें ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने ऑनेस्ट हो उतना आप कंपटीशन में क्रैक करने के नजदीक पहुंच रहे हो। इसमें ऐसा नहीं कि जान के हमने 9 लिख दिया और 8 लिख दिया ऐसे। आप यदि ऑनेस्टली ये सब चीज मार्किंग, जिस दिन आपको खुद से एनालिसिस और खुद खुद के एनालिसिस और खुद के जो मार्किंग सिस्टम है वो ऑनेस्ट हो जाएगा, उस दिन आप कंपटीशन के बहुत नजदीक पहुंच जाते हो। खुद से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। टीचर सामने वाला कितना आपको मार्क्स दे रहा है, क्या कर रहा है, उससे मतलब नहीं होता। सेल्फ हमेशा चीज होता है कि आप अपने से कितने ईमानदार हो और कितने बढ़िया से काम कर रहे हो, उस पर सब चीज डिपेंड करता है। ओके, चलो ठीक है, अब हम 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि ये 11 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, अभी अभी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हमने देखा है वो क्या है बताओ। ऑप्शन पढ़ो, सब चीज हो जाएगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, पोलिंग यहां पे क्रिएट नहीं कर सकता बच्चे, आप इसी पे रहो। 11 में बताओ, अभी देखा वो तो ऑब्वियस सी बात है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट किस पे था, I²R, हीट पे डिपेंडेंट था। हीट मतलब थर्मल, तो थर्मल इफेक्ट को यूज करता है, कॉमन सी बात है थर्मल इफेक्ट को यूज करता है ना। चलो नेक्स्ट में इसको पढ़ो, 12 नंबर क्वेश्चन को बनाओ। ट्वेल्व को बनाओ, एक बार आप ट्राई करो, दूसरे बार में मैं बताता हूं तो क्विकली, और जितना अच्छे से आप बना पाओगे उतना बढ़िया है। सो आंसर मी, हाँ 11 का हो गया 12। नाम सब क्या, तुर्मन लीगन माफिया रिकॉर्ड्स। सब अपना नाम तो अच्छा अच्छा रख लो ताकि मैं नाम लेने में बढ़िया लगे। ऐसा नहीं कि आप आंसर देना बंद कर दोगे, बाद में कर लेना। द गेम मॉन्गर सुबो। नाम सब फनी रखे हो आप लोग। 12 थोड़ा गैप रहता है मेरे ख्याल से, अभी जो मैं बताता हूँ और जो स्ट्रीम पे आता है लिटिल गैप होता है ऐसा दिख रहा है मुझे। चलो ठीक है, राजीव है, ओके राजीव, ओके ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे क्या दिया, द मीटर एलिमेंट ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैज रेसिस्टेंस 5 ओम एंड जैसे 5 ओम रेसिस्टेंस है। तो चलो एक एलिमेंट ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है और उसका रेसिस्टेंस दे दिया कि ये 5 ओम है, एंड इसमें रिक्वायर्ड 250 mA फुल स्केल रिफ्लेक्शन के लिए, मतलब यहाँ पे IM भी दे रखा है 250 mA। अभी कह रहा है कैलकुलेट द रेसिस्टेंस टू बी कनेक्टेड टू इनेबल द इंस्ट्रूमेंट टू रीड 1 एम्पियर। बहुत ही आसान, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगाना है, यहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो कराना है, यहाँ पे ये कितना होना चाहिए ये निकालना है। बहुत ही आसान, यहाँ पे जो करंट जाएगी 1 एम्पियर को आप 1000 mA रख सकते हो, तो 1000 में से 250 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 750 ना, तो 750 जो मिली एम्पियर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, यहां से चला जाएगा, तो सीधे हो गया कि 750 mA इंटू RSH दिस मस्ट बी इक्वल टू 250 mA इंटू 5 मिली से मिली ऐसी कैंसिल हो जाएगा और RSH का वैल्यू 5/750 हो जाएगा। तो 5/750 कितना होगा उसको देख लो, सही गया ना यहाँ पे 1000 mA 250 माइनस इतना 5/3 आएगा ये, कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। क्या मिस्टेक है,
अच्छा ये 250 है ना, 250 250 बाई 750, चलो 250 इंटू 5 बाई 750 इतना है। अब सही हो जाएगा। हाँ तो कौन सा आंसर आएगा? ऑब्वियसली बात है इसका 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 3 75 होता है तो 5/3, ठीक है 5/3 और पैरेलल में जोड़ेंगे। हाँ ठीक है ओके। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 13, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मेजरिंग वोल्टेज डैश इज कनेक्टेड इन डैश विद वोल्ट मीटर। ये तो सब बता देगा आराम से। देखो यही लैंग्वेज चेंज चेंज करके, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज कर करके और कुछ ना कुछ उसमें देता रहेगा। तो अब बताओ क्या करना है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मेजरिंग वोल्टेज डैश इज कनेक्टेड इन डैश विद वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, वोल्टेज का रेंज बढ़ाना है तो हमें क्या रखना पड़ता है, हाई रेजिस्टेंस ओबी सीरीज में रखना पड़ता है। तो ये पढ़ते हुए टिक करने वाला क्वेश्चन है और ऐसी आपके पास में एग्जाम में भी क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन पढ़ते हुए ही टिक करते जाओ बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा कैलकुलेशन पे रोकना है तो जो टिक करने वाला होता है वहां से समय बचा के कैलकुलेशन वाले पार्ट पे हमें यूज करना चाहिए। चलो अब हम 14 पे आते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन को बनाओ। ये भी ऐसी है पढ़ते हुए और ऑप्शन देखते हुए में टिक लगा दोगे ऐसे, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन क्या करना चाहिए, यहां से समय बचाना चाहिए और कहां पे लगाना चाहिए, वहां पे लगाना चाहिए जहां पे आपको जरूरत है कैलकुलेशन में। ये जब कंपटीशन में रहोगे तो वहां पे ये सब चीज काम आता है, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हुए टिक करते हुए गए और वहां से जो समय बचाया वो कहां पे लगाया, अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट में। और कैलकुलेशन जहां पर भी है वहां पर रीचेक करो, जैसे यहां पे कैलकुलेशन था तो इसको रीचेक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक जीरो और एक समथिंग की वजह से आपका पूरा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में हमेशा कोशिश करना कि रीचेक हमें का समय मिले। 14 में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वॉट आवर मीटर इज यूज ओनली इन एसी सर्किट। आपको एक जगह पे मैंने पूरा वो बताया था, एक लिस्ट बताया था जिसमें एसी के लिए सिर्फ इंडक्शन होता है, ओनली डीसी के लिए पीएमएमसी होता है और बाकी सभी एसी डीसी के लिए होता है। तो ऑब्वियसली इंडक्शन टाइप जो होगा वो ओनली एसी सर्किट में काम आएगा। तो वेरी कॉमन सेंस का भी था क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। मूविंग कॉइल यदि कहता है तो मतलब परमानेंट मैग्नेट के बारे में बोला है, पीएमएमसी के बारे में। पीएमएमसी को शॉर्टकट में मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी कह दिया जाता है। चलो इसको करो, सॉल्व करो, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और आप बना लोगे। जैसे बाकी गौरव और ये सब चीज आप ना क्वेश्चन नंबर करके आगे आंसर लिखना, ठीक है, वो अच्छा रहता है। तो आपको सही रहेगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो, ठीक मुझे पता रहेगा ना। थोड़ा थोड़ा डिले भी चलता है ना, जो मैं बताता हूं और आपके रिस्पॉन्स में थोड़ा सा डिले रहता है, कुछ 6-7 सेकेंड का शायद डिले रहता है, तो वो मुझे पकड़ में आता रहे इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर के साथ में आप आंसर लिखना, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 15 पे अब मैं आ चुका हूं, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत होगी तो डेफिनेटली थोड़ा सा समय इसमें दे दोगे। फिफ्टीन में एकदम उसी समय जैसे पढ़ते रहोगे तो आदत के अनुसार से भी बन जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में सेम चीज पूछा जाता है, ठीक है। हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और उस गैल्वेनोमीटर का एक तरह से रेसिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, ठीक है, और ये इसका फुल स्केल दे रखा है 40 मिली एम्पियर, और इसे हमें कन्वर्ट करना है कितना के लिए, 2 एम्पियर के लिए। तो हमें कितना रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, यही चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो ये RSH पूछ रहा है, सिंपल हो गया। 2 एम्पियर का मतलब 2000 मिली एम्पियर हम कह सकते हैं, 2000 में से 40 यहां पे चला गया तो कितना बचेगा,
1960 mA, बस ये हो गया 1960 इंटू आर एस एच, दिस मस्ट बी इक्वल टू वॉट 40 × 10, मिली में है तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो आर एस एच का वैल्यू हो जाएगा 40 × 400/1960, और इसको पैरेलल में रखना पड़ेगा। तो देखो ये वाला या ये वाला दोनों में से एक आंसर आएगा, ये 0. इतना है और 0.2 इतना है, तो आपको पहले ही डिजिट से ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, और 2 से ही करने शुरू करोगे तो ये 20 और ये 98, ये फिर ये 10 और 10/49 हो गया, तो 0 100/49 है, 49 मतलब 50 समझ सकते हो, तो 0.2, तो यही आंसर होगा, 0.2 होएगा, 0.4 तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 10/49 है, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट करोगे तो पॉइंट जैसे ही लगाओगे 0. तो ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे को 50 मानोगे, तो वो 2 होता है तो 49 से तो 2 होगा ही, तो 3-4 गुना तो जा ही नहीं सकता, तो ये पूरा कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, 4 नंबर आपके पास में हो जाएगा। हाँ, तो ये सब भी जो मैंने अभी बताया ना, कैलकुलेशन करते समय भी आपको थोड़ा बहुत स्पीड को मेंटेन रखना है, और उसमें जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि 0, 4, 1 सब निकालने बैठ गए, तो एक्स्ट्रा समय आपने फालतू में दे दिया, ठीक है, कि यदि आप उसमें 2 गुना, जैसे यहाँ पे 49 को मैंने 50 किया, 100/52 ऐसे सोचा और मैंने कहा कि ये है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो आपको एड ऑन करेगा और आपको समय बचाएगा, एक्यूरेसी बढ़ाएगा अगले क्वेश्चन के लिए। चलो आपने हमने 15 बना लिया, 16 पे आते हैं। इन द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोल टॉर्क प्रोड्यूस बाई द स्प्रिंग इज वॉट, प्रोपोर्शनल टू थीटा, जैसे थीटा यहाँ पे लिखा गया, एक्चुअली में थीटा स्क्वायर है, ये थीटा है, ये 1/थीटा है और ये 1/थीटा स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग में मतलब कि थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू थीटा स्क्वायर होता है, या प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, या 1/थीटा, तो बहुत ही सिंपल है कि नहीं, 16 तो देखते ही और आप सॉल्व कर दोगे। प्रदीप मिश्रा 15 पे हैं, आज चलो अभी 16 है, 16 में सेकंड, 16 में फर्स्ट क्यों लिख रहे हो हल्दर? माफिया रिकॉर्ड्स 16 में 1 लिख रहे हो, 16 में 2 होगा, ये तो सीधे होता है ना, स्प्रिंग वाले पार्ट में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ये प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, सिंपल है, तो ये क्या हो गया, सेकंड आंसर हो गया, इसमें तो मिस्टेक करने का कोई, ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, देखो टिक करो आगे बढ़ो, समय भी बचेगा आपका, और एग्जाम हॉल में जो समय होता है वो बहुत गोल्डन होता है, बहुत ही गोल्डन होता है। एग्जाम हॉल में यदि 5 मिनट आप वेस्ट कर देते हो तो मतलब खाली समय का वो 5 घंटे के बराबर है, तो वो 5 मिनट फिर रिटर्न नहीं आएगा, आपके पास 2 घंटे का एग्जाम तो 2 ही घंटे, उसमें से 5 मिनट आपने खो दिया तो खो दिया, कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आपका बच जाएगा, उस 5 मिनट में हो सकता है कि आप 5 क्वेश्चन कर सकते थे। तो ये थोड़ा थोड़ा जब जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इस हैबिट को डेवलप करोगे कि एटलीस्ट, देखो होता क्या है, एक चीज और मैं आज बताता हूं जिसको ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से वो करना, आप जब पूरा कोर्स पढ़ लोगे ना, जैसे मैं पूरा कोर्स का यहाँ पे रिवीजन शुरू किया हूँ जिसमें से आप पार्ट 3rd तक ही पहुँचे हो, पार्ट 4 कुछ बच्चे पूरा पढ़ चुके हैं, दोनों बैच के बच्चे हैं, जब भी फुल सिलेबस हो जाए तो आप पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक जो ईजी वाला पोर्शन हो गया, एक मीडियम वाला पोर्शन हो गया, और एक जो आपको हार्ड लगता है, और ये जरूरी नहीं कि हार्ड मेरे लिए जो है वो आपके लिए भी हार्ड हो, आपके लिए वो इजी हो सकता है किसी के लिए, तो अपने अनुसार से पूरे सिलेबस को, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है, देखो मैंने बहुत सारा कंपटीशन निकाल रखा है, तो कुछ बहुत सारी स्ट्रेटजी मेरे दिमाग में बैठे रहते हैं, तो जब मैं बताता हूं तो उसको प्रॉपर तरीके से नोट करके अमल करने की कोशिश करना है, उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना है, ओके, तो पूरे फुल सिलेबस को आपने इजी, मीडियम और हार्ड में बदल दिया। ईजी में वो चीज जो आपको ऐसे याद रहता है, ऐसे याद रहता है, सोते उठते भी कोई याद करेगा, ओके, जो देखो जो पीएमएमसी है वो डीसी के लिए मेजर करता है, किसको नहीं याद रहता है ना, एमआई जो होता है वो एसी डीसी दोनों के लिए आता है, उठते बैठते कुछ चीजें ऐसे हो गया, वो हो गया इजी वाला पोर्शन, एक हो गया मॉडरेट, जहां पे मैं कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा गलती कर देता हूं लेकिन मुझे आते रहता है, यहां पे जैसे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो पता रहेगा कि यहां पे मैं थोड़ा सा भी अटेंशन ज्यादा देता हूं तो करेक्ट हो जाता है, अदरवाइज थोड़ा बहुत इनकरेक्ट में बार बार कर देता हूं प्रैक्टिस वगैरह, यहां पे वो मीडियम में हो गया, हार्ड वो चीज हो गया जहां पे
मैं हमेशा गलत कर देता हूँ, या मेरा कॉन्सेप्ट वीक है, या मुझे कभी समझ ही नहीं आया। ठीक है, जैसे ही आपके पास में सिलेबस तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे, ये इजी वाले क्वेश्चन आपको 100% अटेम्प्ट भी करना है और करेक्ट भी होना है। मीडियम वाले पार्ट में 100% आपको अटेम्प्ट करना है ना, और हो सकता है कि करेक्ट आप इसमें 95% रहे थोड़ा सा, और हार्ड वाले पार्ट में हो सकता है कि आपने वहां पे अटेम्प्ट ही कुछ 80% कर दिया, 20% हटा दिया, और इसमें हो सकता है कि एक्यूरेसी आपकी बेकार हो, 75% ही एक्यूरेसी हो। ठीक है, करेक्ट जो करोगे 75% ही करोगे, तो ये वाले पार्ट को आप यदि थोड़ा सा भी कम करोगे और इसको यदि पूरा बचा भी लोगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका कॉम्पिटिशन क्लियर रहेगा। ठीक है, कम से कम आप जानते हुए चीज को तो नहीं हटा रहे हो ना, उसको तो अटेम्प्ट करके आए हो, उसको तो करेक्ट करके आए हो 100% वाले पार्ट में, तो इस एबल बनना बहुत जरूरी है। और मैं एक और सीक्रेट बता देता हूं कि जिस समय आप अपने इजी और मीडियम में 100% एक्यूरेसी आ गया आपके पास में, मैं गारंटी देता हूं कि आपके हार्ड क्वेश्चन के लिए इतना इनफ समय बच जाता है कि वो भी सही होना शुरू हो जाता है। हमारा जो माइंड होता है ना, वो बहुत ही बहुत बढ़िया से फंक्शन करता है। यदि दो पोर्शन को बहुत अच्छे बना दिए तो हार्ड वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका, उस राइम में, वो रिदम में वो भी बन जाता है। ऐसा होता है कई बार एग्जाम में हार्ड क्वेश्चंस फ्लो में बन जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ एक्टिवेट इतना हो गया और फोकस इतना हो गया ऐसे। तो आप मेहनत करोगे ना इस ढंग से, कॉम्पिटिशन ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं निकले। अरे आके कोई दूसरे प्लैनेट का आदमी थोड़ी क्वेश्चन सेट करता है, कौन सेट करता है, हम जैसे लोग ही तो सेट करते हैं, जो पढ़ते पढ़ाते हैं वही सब तो सेट करते हैं। सिलेबस से बियॉन्ड कहाँ आएगा, हर चीज़ आपको पढ़ना है। तो ऐसा तो नहीं है कि गॉड आके क्वेश्चन प्रेस कर दिया और अब आपको पता ही नहीं है, आपको सिर्फ उसके अनुसार से चलना है, आप बना दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। 17 पे आओ। A moving coil ammeter has a spring giving a control constant of this 10 to the power minus 6 है, इधर आ गया है। ठीक है, the deflecting torque ये 0.2 into 10 to the power minus 6 है, और if the deflecting torque on the instrument is this, find the angular deflection of the pointer। चलो इसको बनाओ, try it, एक बार try करो इस 17 number question को। Just try it. इतना जल्दी कैलकुलेट कर लिए? चलो ये बहुत ही, देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया पहले ध्यान में रखना है। यहाँ पे मूविंग कॉइल एमीटर है, ठीक है, मूविंग कॉइल एमीटर है, मूविंग कॉइल मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसमें कहा कि स्प्रिंग गिविंग अ कंट्रोल कॉन्स्टेंट, तो स्प्रिंग में जो होता है के टाइम्स ऑफ थीटा होता है, जहाँ पे के बारे में दे रहा है, और के को लिखा कि ये 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और ये है न्यूटन मीटर और पर डिग्री, ये भी ध्यान में रखना है कि ये दिया हुआ है। नेक्स्ट में कहता है इफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज दिस, मतलब इसने इस टी को दे दिया, ये सॉरी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को दे दिया, टी को, टीसी को नहीं दिया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को दे दिया कि ये 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 नैनोमीटर है। ठीक है, फाइंड द एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर। आपको पता है कि स्टेडी स्टेट में टीसी बराबर टीडी होता है, टीडी का वैल्यू आपका 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 नैनोमीटर हो गया, न्यूटन मीटर हो गया, ठीक है, नैनोमीटर कहता हूं। और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, के टाइम्स ऑफ थीटा होता है, तो आप के वैल्यू को यहां पे 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन मीटर पर डिग्री, और इनटू यहां पे क्या करोगे, थीटा, जो भी डिग्री में आएगा, थीटा डिग्री में आएगा, इज इक्वल टू 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन मीटर हो गया। मैं जान के यहां पे यूनिट को यूज कर रहा हूं,
इससे क्या होगा, आपके कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होने का चांसेस जो होगा वो बदल जाएगा। जैसे आप यहां पे देखो कि थीटा यहां पे जो भी आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा, तभी डिग्री और डिग्री यहां पे कैंसिल हो जाएगा और नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये यूनिट सब चीज एडजस्ट हो रहा है, इसका मतलब इस कैलकुलेशन में थीटा जो भी आंसर आएगा उसको हम डिग्री में लिखेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से सिर्फ डिवाइड करना है, तो ये 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन ये 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो गया। ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, पॉइंट को बताने के लिए इतना हो गया, ये 120, तो ये 120 डिग्री में आएगा, तो ये 120 डिग्री हो गया। मैं जान के ये चीज इसलिए बता रहा हूं स्पेसिफाई करके, क्योंकि अक्सर जो के होगा, यदि यहां पे डिग्री ना लिख के रेडियन दे दिया होता, डिग्री ना लिख के रेडियन दे दिया होता, तो ये जो आंसर आता ये थीटा आता रेडियन में, 120 रेडियन। और यदि 120 रेडियन आता, समझ रहे ना, कि क्योंकि ऐसा यूनिट रेडियन होता है, ये डिग्री में दिया हुआ है इसलिए आंसर डिग्री में आ गया डायरेक्टली और हमने आंसर निकाल दिया। यदि ये रेडियन में रहता, क्योंकि अक्सर रहता है, तो ये आता आंसर रेडियन में, और रेडियन को आपको कन्वर्ट करना पड़ता डिग्री में। कैसे कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि 180 डिग्री, जैसे हम क्या कहते हैं, 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं, तो इसलिए 1 डिग्री को, या आप ऐसा कर सकते हैं उल्टा चलते हैं, इसलिए 1 रेडियन को क्या कहेंगे, 180 बाई पाई। तो इसलिए 120 को कितना करेंगे, 120 इंटू 180 बाई पाई, ये आंसर होता है डिग्री में। तो इसको इसको मैं बताना चाह रहा हूं, इसी वजह से मैंने कैलकुलेशन में आपको ये यूज किया। ये सब इंप्रूवमेंट भी आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटा छोटा गलती आपसे करा देगा और आपको आते हुए भी, कॉन्सेप्ट आते हुए भी न्यूमेरिकल के समय में ये सब चीजें थोड़ा बहुत जान के रखना जरूरी होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट से बहुत सारी चीजें बातें करेंगे, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पे थ्योरेटिकल क्लियरिटी पे हम बात करते हैं। तो ये सब कुछ एडिशनल पार्ट है जो आपको जान के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ठीक है, तो ये यूनिट यदि अलग रहता तो हम उसके अनुसार से ये सब सॉल्व करते। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को ये सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर ये क्या हो जाएगा, 18। इन एन एमीटर द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द करेंट पासिंग, उसको पढ़ो और बनाओ। चलो बहुत लोगों ने सही कहा, ठीक है। इसमें क्या क्या कि एन एमीटर द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द करेंट पासिंग थ्रू इट, मतलब ये कह दिया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल टू करेंट पासिंग थ्रू इट है, ये कह दिया। एंड द इंस्ट्रूमेंट हैज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री, फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो थीटा जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे है तो है 80 डिग्री। ओके, फॉर द करेंट ऑफ 5 एम्पियर, यदि करंट 5 एम्पियर फ्लो होती है ना, 5 एम्पियर फ्लो होती है,
उस समय में वॉट डिफ्लेक्शन विल अकर. अच्छा ठीक है, उसके लिए ये दिया फॉर अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर, मतलब ये जो आया है वो कब आया है, जब करेंट जो फ्लो हो रही है वो 5 एम्पियर हो रही है, मतलब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट हो गया. ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दिया. नेक्स्ट में वॉट डिफ्लेक्शन विल अकर फॉर अ करेंट ऑफ 2.5 एम्पियर, कह रहा है कि अब यदि करेंट जो है वो 2.5 एम्पियर करेंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, है ना. व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज स्प्रिंग कंट्रोल, और इस जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्प्रिंग कंट्रोल है. तो एक चीज क्लियर हो गया कि स्प्रिंग कंट्रोल में टीसी जो होता है वो के टाइम्स ऑफ थीटा होता है, और टीडी कहा कि प्रोपोर्शनल टू आई है, तो लेट से इसको टीडी को हम मान लेते हैं कि समथिंग केडी टाइम्स ऑफ आई हो गया, और इसको बराबर होना पड़ेगा टीडी का, तो सीधे हो गया कि के थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे केडी टाइम्स ऑफ आई, इतना हो गया. या यूं कह सकते हैं कि थीटा जो हो गया वो प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, थीटा जो हो गया प्रोपोर्शनल टू आई हो गया. तो इसलिए जो थीटा न्यू लिखोगे और अपॉन थीटा ओल्ड लिखोगे तो डेफिनेटली आई न्यू अपॉन आई ओल्ड लिखना पड़ेगा. अब आई न्यू कितना है, 2.5 है, आई ओल्ड कितना था, 5 था, और थीटा न्यू हमें नहीं पता है, ये हमें निकालना है, और थीटा ओल्ड कितना था, वो 80 डिग्री दे रखा था, तो बस हो गया. इसलिए थीटा न्यू जो हो जाएगा वो 2.5 बाई 5 इंटू 80, और ये डिग्री में आएगा जो भी आंसर आएगा. ओके सो कर लो, इससे आप यहाँ पे 10 कर लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 5 कर दोगे और 8, और ये हो जाएगा 40, तो 40 डिग्री सी इज योर आंसर. दूसरा, ये तो मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन आपको बता दिया, सीधे ऐसे भी दिखेगा कि 5 के कॉरस्पॉन्डिंग यदि 80 है तो 5 का आधा मतलब 2.5 के कॉरस्पॉन्डिंग 80 का आधा हो जाएगा 40, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिलेशन है. तो इसलिए हम उसको दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये तो मैंने प्रॉपर आपको एक तरीका बता दिया कि ठीक है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो, उसके लिए दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, दोनों को कंपेयर करना है और सॉल्व करना है. ओके, इस मेथड पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि खास रिलेशन प्रोपोर्शनलिटी में आपको मालूम है, एक केस दे दिया, दूसरा केस में एक को गायब कर दिया, उसको पूछ दिया, है ना, इसमें चारों क्वांटिटी हमें रिलेट कर पा रहे हैं, तीन क्वांटिटी दिया हुआ है, चौथा पूछा गया, ऐसे करके ये बहुत अलग अलग सिचुएशन में सेम क्वेश्चन बनाने का एक फ्रेम होता है, मतलब इसको कह सकते हो इस क्वेश्चन का जो फ्रेम है वो इस पे बना हुआ है. ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन बना लिया आपने, 19 में बनाओ. नाउ 19, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वोल्टेज ओनली, अभी अभी पढ़ा था, 19 तो पढ़ते हुए टिक करके चले जाओगे आप. अभी अभी हमने पढ़ा था कि सिर्फ वोल्टेज के लिए क्या है. सो आई एम वॉचिंग योर रिस्पॉन्स. 19 में पढ़ते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे बिल्कुल. दीपक, परमानेंट माइंड मूविंग कॉइल ओनली वोल्टेज के लिए, आज हमने रिवीजन में भी बताया था ओनली वोल्टेज के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसको करंट के लिए नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप सीधे आंसर हो जाएगा. चलो 20 नंबर में हम आते हैं. टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एसी एमीटर यू वुड यूज, एसी एमीटर का को के रेंज को इंक्रीज करने के लिए क्या करें, पढ़ते हुए फिर से आप ये कर सकते हो अब, लेकिन इसमें ऑप्शन में थोड़ा चेंजिंग है तो थोड़ा ध्यान रखना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को आप देखो. क्वेश्चन नंबर 20, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एसी एमीटर यू वुड यूज क्या, ऑप्शन को देख के आपको पता चलना शुरू हो जाएगा. तो उस कॉमन सेंस को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप उस कॉमन सेंस को पकड़ोगे जो इसमें बताना है. बहुत सारे लोगों ने 4 भी दिया है,
देखो एक चीज सोचो, एक अमीटर ऑलरेडी आपके पास है, इसका रेंज बढ़ाना है, तो एक तो उपाय है कि हम यहाँ पे इन जनरल रेसिस्टेंस या इम्पेडेंस लगाएंगे, रेसिस्टेंस या इम्पेडेंस लगाएंगे, मतलब आर प्लस जे एक्स टाइप का चीज इन जनरल लगाएंगे, जिसमें हो सकता है कि एक्स ना हो यदि डीसी है तो, है ना, लेकिन एसी अमीटर दिया है तो इसलिए आपको इम्पेडेंस लगाना पड़ेगा। एक तो ये चीज हुआ, क्या यहाँ पे कहीं पे इम्पेडेंस दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कंडेंसर अक्रॉस द मीटर, मतलब सी लगाने की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, और ये इंडक्टेंस मतलब एल लगाने की बात कर रहा है, तो ना ये होगा ना ये होगा, क्योंकि इम्पेडेंस हमें चाहिए। अब इसमें ऐसे ऑप्शन नहीं है, तो करंट ट्रांसफार्मर आपके पास में एक ऑप्शन है, वो क्या काम करता है कि जैसे सपोज करो कि हेवी करंट को आपको मेजर करना है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो लेट्स से कि 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, लेकिन आमीटर 10 एम्पियर से ज़्यादा मेजर नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर लगा देंगे, और करंट ट्रांसफार्मर इस 1000 एम्पियर को 1 एम्पियर भी बना सकता है, और यहाँ पे फिर हम मीटर लगा देंगे, या 10 एम्पियर भी बना सकता है, सपोज करो कि उसको मैंने 100 टाइम्स कम कर दिया, 250 टाइम्स, 100 टाइम्स, 500 टाइम्स, कितना भी ऐसे कम कर सकता है, यहाँ पे लगा दिया, इसका रेंज बढ़ गया, तो करंट ट्रांसफार्मर यहाँ पे हो गया। उसी तरह से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको अभी हमने पढ़ा नहीं है बट इतना तो कॉमन सेंस रखते ही हैं कि ओके, करंट ट्रांसफार्मर करंट को ट्रांसफॉर्म करता है, बड़े करंट को छोटा कर देता है ना, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बड़े वोल्टेज को छोटा कर देता है, तो यदि वोल्ट मीटर का हमें बढ़ाना रहता तो हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा देते, यदि सीरीज में इंपेडेंस नहीं रहता तो। समझ में आए? तो ऑप्शन को देख के भी आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे रहेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब हम आते हैं आपके, कहाँ तक हमने बना लिया, 20 तक। अब मुझे कोई बताएगा कि 20 तक में किसने कितना आंसर सही किया है, मतलब 20 जैसे समथिंग बाई 20 ऐसे लिखोगे, यहां पे अपना कितना करेक्ट किए हो अपॉन 20, तो फिर मजा आएगा कि चलो ठीक है, कंफ्यूज थे, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज थे तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो ये सब डिस्कशन चल रहा है। करंट में इंपल्स आता है, अभी मैंने बताया था, इसलिए सिर्फ करंट करता है, वोल्टेज नहीं करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, वो आपके कौन कौन से दिख रहे हैं, 16/20, 11/20, 17, 19, 18, 16, 14, 13, ठीक है चलो। अब आप देखो यहीं से आप अपना अपना एनालिसिस भी करो, ठीक है, कम आए तो घबराना नहीं है, और ज्यादा आए तो खुश नहीं होना है, कम आए तो इम्प्रूवमेंट चाहिए, ज्यादा आए तो मेंटेन करना है। जैसे नीतीश कुमार 0/20, आपने एक भी क्वेश्चन सही नहीं किया, अभी आए हैं तो ये तो थोड़ा दिक्कत है ना, अभी आए तो शुरू से जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आप परसेंटेज में देखो, 15/20 या 16/20 या 17/20 आप कह रहे हो, परसेंटेज में देखो कि क्या होगा, ठीक है, जैसे 15/20 है तो लगभग 75% हो गया है ना, तो 75% आपका ये चल रहा है। हाँ, दिमाग में ये भी रखना है कि किसी भी कंपटीशन में 100% कोई भी स्कोर करके आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है, 80% आप कह सकते हो 75 से एवव और 85 के बीच में, 75 से 85 जो होगा वो आपका सबसे सेफेस्ट जोन रहेगा एक्यूरेसी का, ठीक है, मतलब पूरे क्वेश्चन में जो सॉल्व होना है सही होना है उसका। ओके चलो, अभी हमारे पास है तो बहुत सारे क्वेश्चन, देखोगे तो मैंने इतने सारे क्वेश्चंस अभी लाए थे, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है, लेकिन इस 2 घंटे में हम जितना कवर कर पाए ठीक है, क्योंकि एक दिन में सारा चीज़ भर दूंगा तो हो सकता है कि फिर मुश्किल हो जाए आप लोगों के लिए, तो ये सब सारे जो क्वेश्चंस है, ये पार्ट 5 तक सारा चीज़ मैं लाया था, ये सब सारे क्वेश्चन जो हैं अब हम अगले उसमें रखेंगे, तो अभी कंटिन्यूअसली सैटरडे संडे की हम बात करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअसली सैटरडे संडे में हम ये चीज़ करेंगे, ठीक है, तो आज हम यही रखते हैं, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा में क्या दिक्कत हो जाती है कि आपके यहाँ से इंसर्ट होना थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, इसका जो पीडीएफ होगा, हाँ, तो और भी मैं ऐसे अभी लेते रहूँगा, अभी तो आप सोचो 2 ही पार्ट का हम कर पाए, क्योंकि यदि आप नेटवर्क का देखोगे तो मैंने एक क्लास में पूरा ही वो कर रखा है, लेकिन आज मैंने ये पहली उसमें देख लिया था कि मिक्स बच्चे हैं
जिसमें कुछ कुछ लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, कुछ लोगों ने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ रखा है। रोज क्लास नहीं रह सकता, मेरे पास उतना समय नहीं रहता है रोज क्लास, तो सॉरी बच्चे। बट हाँ ठीक है कि मैं आपको क्या करूँगा कि सैटरडे संडे डेफिनेटली क्लास रहेगी, ऐसी 11 से 1 बजे 2 बजे तक ऐसे क्लास रहेगी, 2:30 बजे तक ऐसे ऐसे क्लासेस में रखा करूँगा। ओके सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बाकी का पार्ट रिवाइज करते हैं, उसमें बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा समय अब और कम लगेगा क्योंकि उसमें अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें बताने हैं, तो और थोड़ा सा कम लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके और जो इसका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे जो ये सब जो रिटेन फॉर्मेट में है वो सारा चीज़ आपको दिख जाएगा टेलीग्राम में, और एक क्वेश्चन भी एडवांस में आपके पास आ जाएंगे, तो वो भी अच्छी बात है कि अगले क्लास में हम थोड़ा सा और फास्ट हो जाएंगे, ठीक है, ताकि पार्ट 3rd, 4th और 5th को भी हम कवर कर सके, तो अगले पार्ट में हम ये हो जाएंगे। बाकी आप लोग ये यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा, सर यूपी पीएससी के एग्ज़ाम है, आप थोड़ा बताएं कि अब लास्ट टाइम पे क्या पढ़े, मैंने सिलेबस किया है टेक्स्ट बुक से। हाँ मैंने आपको पहले अब बता दिया ना, सबसे पहला काम करो आप फुल सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, क्योंकि जब फुल सिलेबस को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लोगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा मेरा कॉन्फिडेंस पे है। इसको कहते हैं रणनीति। देखो जब युद्ध होने वाला हो ना, तो उस समय ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, उस समय रणनीति की जरूरत होती है। तो जितना आप जानते हो, चाहे सिलेबस कम कवर्ड है या ज्यादा कवर्ड है, डजेंट मैटर, जितना आप जानते हो उसको डिवाइड कर लो और इजी और मीडियम पे कमांड कर लो, और हार्ड वाले पार्ट को लास्ट में देखना कि चलो ठीक है ये होल्ड है तो ठीक है, नहीं होल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको पूरा कमांड करूंगा। आप उस स्ट्रैटजी पे काम करो। बच्चे DSS बी के बारे में मैं बाद में बता दूंगा महेश, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, आप लोगों ने ग्रुप में सेंड किया था तो मैं देख नहीं पाया, बिना देखे बताने में गलत इन्फॉर्मेशन हो जाएगा और गलत इन्फॉर्मेशन देना अच्छा नहीं होता है। नहीं और हाँ कॉन्फिडेंस वैसे ही आएगा, ठीक है मुकेश प्रजापति। देखो ये तो डर का एक पार्ट है। मैं आपको, यदि आप नेटवर्क के देखे होंगे तो मैंने कई बार आपको बताया था, फियर सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और फियर को जिस समय सेलिब्रेशन में आप कन्वर्ट करोगे उसी समय होगा। देखो एक चीज मान के चलो, जरूरी नहीं जैसे कंपटीशन में आप कंपटीशन देने जा रहे हो और जो सबसे ज्यादा फियर होता है कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, उसका फियर रहता है, आप उसको सीधे कट कर दो। आप सीधे ये सोच के जाओ कि मैं जितना जानता हूं अपने पूरे 100% ऑनेस्टी के साथ में मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, मुझे पता नहीं रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, और मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपने अपना 100% पूरे ऑनेस्टी के साथ में कंपटीशन को दिया, रिजल्ट आएगा तब भी सही, नहीं आएगा तब भी सही, तब भी कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, आपको एनालिसिस पता चल जाएगा कि अच्छा मैं कितने पानी में हूं और कितना मेहनत मुझे एडिशन में करना है। और आप डर के दोगे ना तो कुछ भी आकलन नहीं कर पाओगे कि आप पढ़ाई सही से किए या नहीं किए या अटेम्प्ट हुआ क्या हुआ, फियर आपका सबसे ऊपर रहेगा, टॉप पे रहेगा। कंपटीशन नहीं निकलेगा तो कोई चाकू लेके थोड़ी बैठा हुआ है कि बस आओ गर्दन ही उड़ा देंगे, नहीं ना, और भी कंपटीशन है, और भी एग्जाम है, तो पहले रिलैक्स हो जाओ, माइंड का साइकोलॉजी बनाओ कि मुझे अपना 100% जाके देना है बस, उसके ज्यादा सोचोगे तो फियर होगा और आपका जो जो आपका वहां पे परफॉर्मेंस होगा ना वो डिग्रेड हो जाएगा। सो आप उसको छोड़ दो, भूल जाओ कि ओके मेरा उसमें निकलेगा नहीं निकलेगा, 100% दो, ठीक है। हाँ बिल्कुल सब्सक्राइब कर दिया, अच्छी बात है, सब्सक्राइब कर दिया। सर बीटेक कर रहे हैं सर जी, के लिए टाइम मेंटेन कैसे करें? देखो बीटेक वालों का एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या होता है कि वो एग्ज़ाम जो देते हैं सेमेस्टर से 15 दिन पहले देते हैं, तो बाकी दिन क्या करोगे, बाकी दिन तैयारी करो, सिंपल सा लॉजिक है, सेमेस्टर से 15-20 दिन पहले सब पढ़ाई करता है। मैं भी बीटेक मतलब कि उसी आपके उसे आया हूँ, तो मुझे सबसे पता है कि बीटेक में इवन IIT में कैसे पढ़ते हैं बच्चे और बाकी कॉलेज में, तो सब वो सेमेस्टर से पहले करते हैं, तो हो जाएगा। सौरभ हल्दर क्या आपने पूछा, सौरभ हल्दर आपने बोला था जी JEE Batch 4 का पिछले क्लास का 14 को प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए, 14 को प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए मतलब, हाँ मैं करवा दूंगा कोई नहीं, हल्दर ठीक है।
और चलो ठीक है, YouTube को थोड़ा सा इस YouTube चैनल को बढ़ाओ, तो बाकी चीज़ें भी मैं इसमें फ्री में डाल दूंगा। हाँ बिल्कुल सही, चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बाकी लोगों से करवाओ भी, अपना फैमिली बड़ा करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पे भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ वो भी पढ़ा दूंगा। सर जॉब में प्रॉब्लम हो रहा है? जॉब में प्रॉब्लम तो हमेशा ही होता है, थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग वहाँ चाहिए होता है, जॉब में प्रॉब्लम सबको होता है, ठीक है। जॉब मतलब नौकरी मतलब नौकर बने हो, नौकर बने हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर ठीक है, पहले बैलेंसिंग थोड़ा करना सीखो। जॉब के साथ आप पढ़ाई करते हो, आई थिंक कि संकेत साहू, जॉब के साथ पढ़ाई करते हो? जॉब के साथ पढ़ाई करते हो तो अपने आप को थोड़ा अच्छा और मानो ना, कि चलो मैं ज़्यादा चीज़ हैंडल कर रहा हूँ, तो खुश होना चाहिए उसे कि चलो ज़्यादा चीज़ मैं हैंडल कर पा रहा हूँ। एनीथिंग एल्स, और कुछ बातें करनी है तो मुझे बता दो, अदरवाइज हम स्ट्रीम को एंड करते हैं और अगले उसमें मिलते हैं, ठीक है। जॉब भी मेंटेन कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो तो अच्छी बात है, मतलब आप अपने आप को थोड़ा सा थोड़ा बूस्ट महसूस करो कि दोनों चीज़ हैंडल कर पा रहा हूँ मैं, और नहीं कर पा रहा हूँ तो करने की कोशिश करो, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। महेश स्टडी, बहुत अच्छा लगा क्लास, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। मेरा कोशिश भी यही है कि आपको बहुत अच्छा लगे, और मेन चीज़ आपका साइकोलॉजी एकदम बिल्कुल बूस्ट हो जाए, जैसे मैं कंपटीशन निकालता था ना, धरा धर कितने सारे एग्जाम निकाल दिए, आप भी वैसे ही कर दो। यूट्यूब में अभी सैटरडे संडे रहने दो, बाकी थोड़ा सा यदि मैंने एक पहले बार में एक वो दिया था कि यदि, हाँ ये वीडियो पब्लिश भी रहेगा, मैंने ये कहा था कि यदि 1000 सब्सक्राइबर जनवरी जनवरी में हो जाता है तो मैं एक सब्जेक्ट फुल पूरा पढ़ा दूंगा, तो वो आप लोगों के ऊपर है, 1000 लोगों का सब्सक्राइबर बनाओ बेस, अभी क्योंकि अभी जस्ट जनवरी में ही मैंने ओपन किया है। 30 मिनट का डेली डाउट करे सर, इस पे मैं सोचूंगा, इस वीक तो नहीं, अगले वीक में मैं कोशिश करता हूँ इसका, यदि 30 मिनट का डेली डाउट का यदि है तो मैं इस पे प्लान कर सकता हूँ, और इवनिंग में मैं क्लासेस रख सकता हूँ इस पे, कोशिश करूंगा, देखता हूँ, पहले इस वीक में तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं जब प्रॉमिस कर दूंगा तो फिर करना पड़ेगा मुझे, तो इस वीक का तो नहीं, लेकिन मैं कमिंग उसमें समय में देखता हूँ कि 30 मिनट का यदि डेली डाउट का कर सके तो कोई एक टाइम निकालेंगे, ठीक है। और आप लोगों का कोई सजेशन है कि सर सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ता है ये बढ़ता है, तो वो मुझे बता देना, क्योंकि मैं ये आप ही लोगों का, सर मैं तो सिर्फ डिप्लोमा का हूँ, इतना डीपली चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए, जो सिलेबस में है वो उतना ही डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके, वो डीपनेस आपको जाना पड़ेगा, तभी जाके आप वो कॉन्फिडेंस आ सकता है आपके पास भाई कि हाँ ये एग्जाम देने जा रहा हूँ मैं, ये क्रैक हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ, मैं जब एग्जाम देने जाता था तो ऑलमोस्ट लगभग 90%, 100% तो नहीं, 90% श्योर रहता था कि ये एग्जाम मेरा निकल जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे श्योर नहीं रहता था वहाँ पे एक्चुअली नहीं निकला, और जहाँ पे जैसे रहा कि एकदम श्योर है तो वो निकल जाता था, तो इसी वजह से आपको वहाँ पे मेन चीज़ है क्लियरिटी, कि हम डीपनेस के साथ में सारा सिलेबस को पढ़ते थे, तो उसमें 100% सिलेबस नहीं भी रहता था तो विथ 70% सिलेबस भी आप बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो एग्जाम, यदि डीपनेस के साथ पढ़े हो, तो डीपनेस के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ में यहाँ थोड़ा ओपन है ना बच्चे, प्रदीप मिश्रा यहाँ पे थोड़ा ओपन है, और यूट्यूब है, और ये मेरा पूरा है ना, ये मेरा पूरा सिस्टम हो गया, वो टेस्ट बुक का सिस्टम है, टेस्ट बुक में कुछ लिमिटेशंस है, टाइम है, ये है, यहाँ पे क्या है, फ्रीडम है पूरा, है ना, इसी वजह से। मीनाक्षी शर्मा, आप हंस रहे, चलो ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ सब्सक्राइबर तो हैं, मैं कह रहा हूँ कि इसको 1000 करना है, 100 नहीं, 1000। मुकेश प्रजापति, यूपीपीसीएल के लिए स्ट्रैटजी, देखो एक चीज, स्ट्रैटजी कॉमन ही होता है, सिलेबस को एक बार यदि आपने क्लैरिटी के साथ कवर कर रखा है, दैट इज योर स्ट्रैटजी, कुछ भी अलग नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल एई जेई का यही के आसपास होता है जो हम अभी कर रहे हैं और करा रहे हैं। हाँ गेट का, इवन आईएएस, आईएएस का भी यही सब रहता है, गेट के लिए थोड़ा एडिशनल और क्वेश्चन चाहिए जो कि अच्छा लेवल का होता है, तो जो गेट का तैयारी कर रहा है, हो सकता है कि मैं उसके लिए ये बिल्कुल खुल के कह सकता हूँ कि हाँ गेट वाले पार्ट के लिए आपको एडिशनल इसमें और लेवल अप करके क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, लेकिन बाकी जितने भी एई जेई के लिए सब यही लेवल रहता है।
कितने चाहिए सर? माफिया रिकॉर्ड्स कितने चाहिए? नहीं, मैंने कहा यदि 1000 सब्सक्राइबर इस मंथ में हो जाता है, ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर इस मंथ में हो जाता है, तो मैं आपको क्या करूंगा कि एक फुल सिलेबस पूरा पढ़ाऊंगा, खासकर मशीन वशीन आप लोगों का नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, मशीन का पूरा जबरदस्त पूरा एकदम फुल सिलेबस, कितने बार भी यहाँ पे पढ़ो कितने भी होगा, पूरा एकदम बढ़िया से, मतलब एनिमेशन वनिमेशन के साथ में, ठीक है? माफिया रिकॉर्ड्स करवाइए, 1000 सब्सक्राइबर करवाइए जल्दी से 1 महीने में, और मैं आपको पूरा एक 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 कोर्स पूरा पढ़ाऊंगा, जो भी आप लोग कहोगे ना, जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है वो टफेस्ट सब्जेक्ट पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये डील रहा, ये कौन सा डील होता है इसको, जो भी डील कह लो इसको, ठीक है? माफिया रिकॉर्ड्स करवा सकता हूं तो करवाइए, ओके? चलो बढ़िया है, ठीक है, आप करवाइए, और मशीन यदि है तो मशीन में पढ़ाऊंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप पूरे जिंदगी मजे लोगे कि चलो मशीन ऐसे पढ़ा था मैंने, ठीक है? ये मेरी गारंटी है कि जैसे देखो आप पढ़ाने का स्टाइल आपने देख ही लिया होगा और आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं कितना क्लियरिटी के साथ चीजों चलता हूँ, आपको समझाना है तो समझाना है, उसके बारे में पूरा मैं बता, तो वैसे ही, ठीक है? मजा आ गया देवांशु वर्मा, थैंक यू, वेरी गुड, चलो मशीन पढ़ाऊंगा। माफिया रिकॉर्ड्स आप क्या करो, 1000 सब्सक्राइबर इस महीने में पूरा करवाओ, मतलब मार्च का टारगेट है, ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरे 6 महीने में, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, तो मार्च में यदि पूरा होता है 1000 सब्सक्राइबर, तो मैं आपको अप्रैल से बैच स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? अच्छा बात करके मजा आया, हाँ ठीक है, देखो आपको धीरे धीरे मेरे बारे में और भी चीजें पता चलेगा ना, तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होगा, जब सामने वाला, एक्चुअली क्या होता है ना, टीचर्स में पॉजिटिव वाइब्स होना बहुत जरूरी है, और वो कहाँ से आता है, जब वो टीचर क्रैक किए रहता है। अब मैंने बार्क क्रैक कर रखा है, मैं मतलब साइंटिस्ट रहा हूँ, बार्क में रहा हूँ, NTPC, BHEL, कितना पता, 4 5 7 एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं, तो वो ना पॉजिटिव चीज आएगा हमेशा कि हाँ ये हो सकता है, और मेरे मुंह से हमेशा वो चीज निकलेगा कि जैसे तो नहीं पता, साइकोलॉजिकल ट्यूनिंग करो, 3 पार्ट में डिवाइड करो, तुम 70% सिलेबस से कर सकते हो, कहाँ से आया, एक्सपीरियंस से आया, वो जो मैं करता था वहां के एक्सपीरियंस से आया, तो पॉजिटिव वाइब्स स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है ना, और वो उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना इंपॉर्टेंट सिलेबस खत्म करना। देखो कभी भी आप सिलेबस खत्म है और आप सिर्फ यहां से ढीले हो जाओ, अरे यार अब अगले बार देंगे, पूरा एकदम एग्जाम बेकार हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेबस 70% है और ऐसे रहो कि नहीं एग्जाम तो मैं निकाल के रहूंगा इस बार, तो इस बार मुझे इसी बार करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जाओगे हो जाएगा। दूसरा, जब टीचर्स आपको बताते रहता है तो आपको फील होता है कि सामने वाला ये टीचर्स भी निकाल सकता है, मैं भी निकाल सकता हूँ, वही पढ़ा रहा है ना आपको जो निकाल चुका है, तो ये सब आपको वो हो जाएगा। आईपी कहाँ से दिया जाता है बच्चे, मैं इतना इतना वो नहीं जानता हूँ, आईपी देना सर यूट्यूब की, यूट्यूब का तो लिंक ही दे सकता हूँ ना, आईपी क्या होता है मुझे नहीं पता, मेरे से फोन पे बात कर लो आप, उसमें टेक्स्ट कर लो मुझे सर। बार्क के लिए मैथ होता है क्या? बार्क में मैथ, देखो मैं गेट वाले पार्ट से गया था तो रिटेन में मैथ का मुझे पता नहीं, मैं तो गेट से सेलेक्ट हुआ था ना तो मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होता है मैथ। स्वप्निल, सर आप किससे बिलोंग करते हो? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार मुजफ्फरपुर से, प्रदीप मिश्रा। जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं वहां बता दूंगा, ठीक है? चलो और कुछ पूछना है या हम रखे, बाय बाय करें, अगले उसमें मिलते हैं, अगले लाइव में मिलते हैं और बाकी के पोर्शन को कंप्लीट करते हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा जैसा मैंने आपको बताया, PDF कहाँ पे मिलेगा वो चीज आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और कुछ किसी को? UPSL में AE में इंजीनियरिंग मैथ है बच्चे, ये सब मैं कंफर्म करके बताऊंगा, ऐसे बताने में यदि इन्फॉर्मेशन गलत हो गया तो आप ऐसा नहीं कि वो गलत गलत इन्फॉर्मेशन अच्छा नहीं होता, तो मैं देख के और फिर आपको बताऊंगा, ठीक है?
देख के और आपको फिर बता दूंगा कि क्या है और कैसे है। ठीक, नेक्स्ट लाइव कब होगा सर? सैटरडे संडे अब लगातार होगा। कल मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे तैयारी करना था एक्चुअली, ये पूरा जो पीपीटी वगैरह ये सब कल बन नहीं पाया, और ये बना रहता है ना तो ठीक रहता है, थोड़ा प्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाता है और आपके लिए पीडीएफ वीडीएफ सही तैयार हो जाता है, इस वजह से कल नहीं लिया। नहीं तो सैटरडे संडे अभी लगातार चलेगा। मेजरमेंट में 3 क्लासेज होगी रिविजन की, ठीक है पूरा, उसके बाद हम देखते हैं। नेक्स्ट लाइव कब होगा सर? रिवीजन का मैं बता दिया, वही सैटरडे संडे, अभी हर सैटरडे संडे चलेगा, सेम 11 बजे हम टाइम रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट उसमें मिला जाए। ओके, बातचीत भी हो गया बढ़िया। ओके, और आपको धीरे धीरे मेरे बारे में भी बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा, कुछ बच्चों को पता है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम एक अच्छी फैमिली बन जाएंगे और पूरा एकदम फोड़ फाड़ करेंगे किसका, जितने भी कॉम्पिटिशन है। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, मैं एंड करता हूँ। अपना प्रॉमिस याद रखना सब, 1000 सब्सक्राइबर टिल मार्च मैं एक कोर्स लॉन्च करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय बच्चों।